ना, क्यों मारे जा रहे इसको बेटा? एमएलए के बेटे को मार क्यों रहे हो तुम? अपने बाप को वोट देने के लिए इसने अपन को 500 दिया। बेटा, तुमने अपने पिता को वोट दिलाने के लिए इसे पैसे दिए? ये सुनकर तो मुझे खुद भी गुस्सा आ रहा है। इसका गुस्सा होना जायज है। अच्छा हो इसने तुम्हें मारा। अरे ओ अंकल, 500 का नोट देने के लिए नहीं ठोका, साला 1000 का वादा किया और 500 ही दिया तो ठोक डाला। तो सिर्फ 500 रुपए के लिए तुमने इसे पीट दिया? जब ये आप उनको 500 रुपए के लिए मामू बना सकता है तो इसके बाप का क्या भरोसा कि वोट देने के बाद पब्लिक को चूना नहीं लगाएगा? ये आप उन रख रहा है क्योंकि ये अपन के हक का पैसा है, बाकी का किसे में रख के निकल। इसने एमएलए के बेटे की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी, आप ही की वजह से छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सर। आप जरा इसे समझाइएगा, सारा दिन मारपीट करता रहता है। ठीक है सर, चल आखिरी बार छोड़ रहा हूँ तुझे। चलना ये चट्टी बाहर। ठीक है, सीधे चल। भगवान, कुछ ऐसा करो कि आज किसी का मेरे बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो। ये प्रार्थना करो कि तुम्हारा बेटा बिना वजह किसी के साथ ना लड़े। हाँ। क्या बोला बंटा? पार्टी आपुन के लिए? अरे माँ बाप हो या दोस्त लोग, आपुन के लिए ना, सब लोग एक समान है, समझा? खाने पीने का इंतजाम है ना, खंबा भी है क्या? आपुन क्या पिएगा? संतरा, मौसमी, नारंगी, कुछ भी चलेगा। रही ए, मेरे सामने ये सब बातें मत कर, चुपचाप फोन रखो, नाश्ता कर। दुश्मन सामने बैठे, बाद में बात करते हैं। जुग जुग जियो, कितना प्यारा है ना? चलो माँ। रुक बेटा, ये तो बताते जा कि आज खाने में क्या बनाऊं। खाने में क्या? ठीक है, पनीर मखनी और खीर बना दे। हाँ? पापा से कहना 2 किलो पनीर लेके आने को, 2.5 किलो तो मैं ही खा जाऊंगा, बाकी 1.5 किलो में तुम लोग दोनों एडजस्ट कर लेना। और साथ में ना हरा भरा कबाब भी बना। एक मिनट ठहर तो सही, सुनिए इसका जन्मदिन है, कम से कम 100 रुपए तो दीजिए खर्च के लिए। ये ले 100 रुपए। ले ले बेटा। रहने दे माँ, जन्मदिन के दिन अपन ऐसे ही किसी से पैसा नहीं लेता है, आप उनकी भी कुछ इज्जत है। सुधरेगा नहीं, इनको बोल अपन की तरफ से रख ले। कंजूस कहीं के। कितना खुददार है मेरा बेटा, किसी से भी पैसे नहीं लेता। सुनिए, मेरा बेटा लंच में पनीर खाएगा, जरा बाजार से ले आइए। ना तुम सुधरोगी ना वो सुधरेगा, जाओ जाकर मेरा वॉलेट और बैग लेकर आओ, पता नहीं कब सुधरेंगे। लाती हूँ। सुनिए, यहाँ से 2000 रुपए गायब है। मुझे आज के आज ही फिल्म देखनी है, मैं टिकट लेने गई थी लेकिन बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा था। अरे फिकर मत कर, तू और तेरी फंटर लोग ये पिक्चर देखेंगे, ये अपन का प्रॉमिस है, थिएटर का मालिक अपन का फेसबुक फ्रेंड है। हाँ। फंटा, दीदी के लिए भी 4 टिकट लेके आजा। भेड़ू, उसने अपन को टिकट नहीं दिया, बोल रहा है फिल्म हिट है, हाउसफुल जा रहे लिए। क्या बोला बे? अपन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद डिक्लेयर करता है कि फिल्म हिट है या फ्लॉप है और उसने अपन को मना किया। तूने अपन के दोस्त को टिकट देने से मना किया? हाँ किया, तो क्या उखाड़ेगा? आप उनका नाम सर्वनाश बोले तो सर्वनाश। तेरे नाम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, टिकट नहीं है, चल फट। देख बंटा, आज आप उनका बर्थडे है और आप उन्होंने अपनी माँ से वादा किया है कि आज आप उन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, इसलिए सुमड़ी में खिड़की खोलो और टिकट दे दे। कान खोलकर सुन, मैंने इस फिल्म के लिए 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, कोई फोकट का टिकट नहीं है, चल निकल। ए वॉचमैन, बाहर निकालो इसे। बेटा आज क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है तेरा, किसी से लड़ाई हुई क्या? कितना बोलती है, खाना तो चैन से खाने दे, फिल्म का टिकट ना मिलने की वजह से मूड ऑफ है। अगर इतना ध्यान पढ़ाई में लगाया होता तो आज कुछ बन जाता। अम्मा, भिखारी है, 2 रुपया दे दे। भिखारी नहीं हूँ मैं, थिएटर का मालिक हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? आपके बेटे को फिल्म की टिकट चाहिए थी, हाउसफुल होने की वजह से मैंने उसे टिकट देने को मना कर दिया, तो वो भड़क के फिल्म की सारी रीलें उठाकर घर ले आया। हाँ, इसके चेहरे पे 12 बजा देख मैं समझ गया था ये जरूर कोई गुल खिला के आया है। थोड़ा रुको भाई, मैं अभी लेकर आया। ठीक है। तूने ऐसा क्यों किया? तो और क्या करता, अपन को टिकट देने से मना किया, अरे अपन तो मार डालता। लेकिन सुबह तूने अपन से वादा लिया था ना, इसलिए अपन कुछ किया नहीं, खाली रील लेके चला आया। ये लो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
तू तहसीलदार के बेटे को टिकट नहीं देगा क्या? सुना आपने? अब तू देख, अपन पापा के ऑफिस में कंप्लेंट डालेगा कि तू अपने थिएटर में बी ग्रेड की फिल्में दिखाता है। तुम जाओ भाई। हाँ ठीक है सर। ए, तेरी इज्जत तो है नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। आज तेरा जन्मदिन है इसलिए तुझे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नाम जिस कैरम टूर्नामेंट का महीनों से इंतजार था वो बस शुरू होने वाला है। आज का पहला मैच सर बड़ा और पिछली बार सेमीफाइनल तक पहुंचा था। सेकंड राउंड है सर बड़ा और बिल्ला के बीच, दोनों टक्कर के मजबूत प्लेयर, और कौन जीतेगा ये कोई नहीं बता सकता। सेकंड राउंड जीतने के बाद सर बड़ा अपना ज्ञान अंदर करता हूं मैं, लेकिन आज तूने मेरे ही भाई को मारा। छोड़ रहे, अब तू पीटेगा। सुना आपने, पहले ये स्कूल में लफड़ा करता था, उसके बाद कॉलेज में शुरू किया। हम लोगों को लगा ये बचपना है, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि इसने काउंसलर को, मेरे बेटे को, थिएटर के मालिक को, दूध वाले को इतना मारा कि वो मरते मरते बचे। अब आप बताओ इसका क्या करना है? हमें जब भी कोई परेशानी होती है इंस्पेक्टर के पास जाते हैं। आज इसने इंस्पेक्टर को ही मारा, कहने को बचा ही क्या? हाँ, अब गांव में या तो ये रहेगा या हम रहेंगे, अब फैसला कीजिए। अपुन यही रहेगा, तुम लोग फुट लो। मास्टर साहब का क्या कसूर था? आपका बेटा सर्वना स्कूल के बच्चों से बीड़ी सिगरेट मंगाता था, मास्टर साहब ने मना किया तो उन्होंने मास्टर साहब की क्लास ले ली। उसके बाद मास्टर जी को सड़क पे खड़ा कर दिया और हर आने जाने वाले को बोलने लगा कि ये बच्चों को तंग करता है। सबने इन्हें पत्थर मारे और इनका सिर फोड़ दिया। 10 टाके लगे और मोटी फीस अलग। बच्चे स्कूल नहीं जाते वो समझ में आता है, मगर अब टीचर ही स्कूल ना जाए तो क्या किया जाए? मुझे हर रोज आपके बेटे के बारे में कंप्लेंट्स आती रहती हैं।
सिर्फ आपकी वजह से इसे झेल रहा था। इसके बाद अगर इसने कुछ किया तो मैं इसे अरेस्ट कर लूंगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। सर, आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगा। आपको हम सबके सामने वादा करना होगा कि आज के बाद आपका बेटा ना किसी को तंग करेगा और ना ही किसी पे हाथ उठाएगा। और अगर इसने ऐसा किया तो आपके पूरे परिवार को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तू कौन होता है निकालने वाला? तेरे को निकाल डालूंगा यहाँ से। तमीज से बात करो। अभी चढ़िए। भाइयों, आप प्लीज सब शांत हो जाइए। ये आप सबसे माफी मांगे। बापू, ऐसा थर्ड क्लास लोगों से आपन माफी मांगेगा? आप उनको स्टैंडर्ड नहीं गिराने का है। उल्टा ये लोग आपन से माफी मांगना चाहिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या बोला बे काली सुअर? यहाँ बड़ा हीरो बन रहा है, गली के पीछे मिल, तब बताता हूँ तुझे। अबे तेरी जात का बेटा मर साला, तू क्या कर ठिकाने लगाएगा? उसे मत देखो बेटा, तू पीछे मिलने को साथ होता है। चौका से सामने उखाड़ना। मैं हाँ बेटा, साले टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। सरवना सुन लीजिए, क्या हुआ? ये माँ खाना नहीं बनाया क्या? अब तो आंसू भाई को मारे लिए है। दिल का दौरा जिनको पड़ा है वो लोग को सुबह सुबह गार्डन में वॉक करना चाहिए। ये इधर ही मुंह लटका के बैठे हैं। ए माँ, देख बेटा, गलती तूने की, लेकिन तेरे पापा को लोगों की बुरी भली सुननी पड़ी। तेरी वजह से तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा। अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो याद रखना, मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। दोबारा ऐसा बोलने का नहीं है। अपुन भी तो बापू को प्यार करता है ना? हाँ, तुझे बोल रही है वो 100% सच है। इधर आने के पहले अपन डॉक्टर को मिल के आया। अब ये रोना धोना बंद करा माँ, वरना अपुन भी रो डालेगा। ठीक है, ये सब अपुन की वजह से हुआ है ना? चल आज से अपुन वादा करता है तेरा दिल नहीं दुखाएगा। हाँ, तेरे सर की कसम रे। अभी तो ये कह रहा है, बाद में देखना ये जरूर बदल जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिन लोगों को इसने मारा है वो कैसे छोड़ देंगे। इसने कोई आम लोगों से झगड़ा मोल नहीं लिया है, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। हम लोग इसे कुछ दिनों के लिए मुंबई भेज देते हैं, वहां जाकर कुछ काम धाम भी सीख लेगा और अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ के हालात भी संभाल लूंगा और इसके लिए नौकरी भी ढूंढ लूंगा। उसके बाद ये वापस यहाँ आ सकता है। और अगर इन 2 महीनों में इसने किसी के साथ भी झगड़ा किया या मुझे मुंबई से फोन करके किसी ने यह बताया कि आपका बेटा बिल्कुल भी नहीं सुधरा है, तो मैं कह देता हूं ये मेरा मरा हुआ मुंह देखे। जैसे दूध के बिना दही का अस्तित्व नहीं है, वैसे आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारी अंधेरी दुनिया में आप उजाला लाइए। आज की तो क्या रोज की कमाई, आपके नाम आपको सलाम। आपकी फिल्मों की टिकट ब्लैक करके एक दिन आपका मंदिर भी बनाऊंगा। एक नजर दाएं देखो, एक नजर बाएं देखो, सेंटर देखो, कटरीना नहीं तो कुछ भी नहीं। कटरीना जिंदाबाद। ओके गाइस, अगले हफ्ते अपनी कटरीना की एक और मस्त फिल्म रिलीज हो रही है। बुधवार को उसका कटआउट लेंगे, माला चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। आज की महापूजा के बाद जो पैसा बचा है वो मेरे हाथ में रख दे। 7.50 रुपए बचे। इतने सारे बचे? इतने पैसे में तो गुप्ता जी 1 लीटर दूध भी नहीं देंगे, तो फिर हम अभिषेक कैसे करेंगे? सारी तैयारियां कैसे हो पाएंगी? पैसे का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, पैसा खुद चलकर आ रहा है। किधर आ रहा है वो देखो, ये डबल डोर फ्रिज डिश टीवी के साथ इधर ही आ रहा है। अरे सुनो, यह शक्ति कौन है? गुरु, ये कपूर टाइप का आदमी शक्ति को पैसा देने आया है। आप बोलो कि आप ही शक्ति हो और सारा पैसा ले लो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। गुड आइडिया। जेंटलमैन, मैं ही हूँ शक्ति, मुझे पैसे दो। जेब में नहीं, मेरे हाथ में। साले, तूने लव लेटर दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी घरवाली को देते तो बुरा नहीं लगता, साले मेरी गर्लफ्रेंड को दिया। साले पुलिस इंस्पेक्टर से पंगा लेता है। रास्कल, अगली बार दिखा तो राशन कार्ड से नाम निकलवा दूंगा।
गले में कुछ आया। गुरुजी, हंस रहे हो या रो रहे हो? लगता है हमें सच में किसी की बुरी नजर लग गई। देखो ना क्या हो गया। नारियल तोड़ते ही बुरी नजर उतर गई। गुरु घंटी बज रही है। अभी बजा के गया। अरे मैं फोन की बात कर रहा हूँ। हेलो गुरु, एक इंस्पेक्टर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। उसको मत बोलना कि आपका नाम शक्ति है। क्यों, क्या हुआ? नहीं तो आपकी धुलाई हो जाएगी। आज सुबह मैंने उस इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को लव लेटर दिया था। अबे करे कोई और, मारे कोई और। गुरु, गुरु, दीपिका के पंडरों ने कटरीना के सारे पोस्टर्स पर गाय का ताजा ताजा गोबर लगा दिया। वो चीना बहुत गुस्से में आ रहा था। सुनो बे, हथियार तैयार रखो। पहले क्यों नहीं बताया कि पोस्टर बिगाड़ने वाले बॉडी बिल्डर है? बोलता तो आप आते नहीं। मुझे लगा सनी जियोनी वाले ढीले होंगे हमारे जैसे, लेकिन ये तो तगड़े मुश्तंडे। घबराओ मत गुरु, हम इसे पटक पटक कर मारेंगे। फिलहाल अपनी औकात इनको किक या पंच मारने की नहीं है, इसलिए सिर्फ धांसू पंच डायलॉग मार के निकल जाते हैं। पंच वो मारते हैं जिनमें दम हो, वो नहीं जो फुसकी बम हो। यहाँ से निकलने में ही भलाई है गुरु, जरा उनके साइज तो देखो। इन टेढ़े मेढ़े येड़ों को हूल देके निकल जाते हैं, वरना ये हमें धूल में मिला देंगे। जो बोलना है जल्दी बोलो, धूप में काला हो रहा हूँ। फेयरनेस क्रीम के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। कटरीना के पोस्टर पर गोबर फेंकने की हिम्मत किसने की? हाँ, हमने फेंका, क्या कर लेगा तू? बॉस, ये लोग हद से ज्यादा बेइज्जत कर रहे हैं। पॉइंट पे आ। लगता है हमें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हाँ तो भागने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस सिचुएशन में देखो तुम्हारा गुरु कैसे शुरू होता है। आप शुरू हो जाओ गुरु। ए काले कल्लूटे, जब तूने कटरीना के पोस्टर पर गोबर फेंका तब मैं वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए इस बार करता हूँ मैं माफ। अगली बार तेरा रास्ता करूंगा साफ। आपको बुलाया, अंगूठा क्या दिखा रहा है? फेस टू फेस बात करो ना। हमने कटरीना के पोस्टर पर गोबर फेंका इसलिए तो यहाँ पर आया, अब तेरे पे फेंका, बोल क्या करेगा? बॉस, गाय और भैंस दोनों का मिक्स गोबर है, ये तो कॉकटेल मार रहे हैं। भाग लो यहाँ से। अगर हम भागे तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, इसलिए हम उनको गोबर फेंकने देते हैं, बाद में थैंक यू बोलेंगे। आपको चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूँ। गोबर से मुंह धोने से गोरे होते हैं। ए चलो फेंको, मुंह पे मारो। अरे क्या कर रहे गुरु, कभी नाश्ता पानी तो खिलाते नहीं हो, आज गोबर क्यों खिला रहे हो? कुछ करो ना यार। पता है दादा, जब भी आप उन इस पे अटैक करते हैं ये सफेद झंडा दिखा देता है, आज इसका डंडा ही तोड़ देते हैं। ए, चला तेरा। इस सफेद झंडे से उन पर कोई असर नहीं हो रहा, मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकल लो गुरु। अब ये सांड मेरे सामने क्यों आ रहा है? ए तुम लोग यहाँ गरबा खेलोगे क्या? क्या तुम्हें गैंग वॉर के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं है क्या? मैं डंडा पर रुमाल लगा के झंडा बना के लाया, सोचा सफेद झंडा देखकर रुक जाओगे, लेकिन तुम तो आ गए। हाँ तो लड़ लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होता, तुम सब तो और करीब आ रहे हो। मुझे मारना मत वरना मम्मी को बुलाऊंगा। पता नहीं कब सुधरेगा। बचपन में तूने सिल्क स्मिता फैन क्लब बनाया था, जिसके बाद तूने हर लड़की को छेड़ा और सैंडल से मार खाई, और जब तुम स्कूल गए वहाँ पर काम वाली बाई को भी नहीं छोड़ा तुमने, सैंडल की जगह झाड़ू से मार खाई, और अब इन्होंने कटरीना फैन क्लब बनवा के चेहरे पे गोबर पुतवा लिया है। छी 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 छी, अब तो शर्म करो, देखो इन्हें शक्ल नहीं अकल नहीं, ऐसा ही चलता रहा ना तो ये हमारा नाम भी गोबर में मिला देंगे। ए डैडी, चिल्लाने से पहले आप अपना फर्ज तो निभाते, आप गब्बर की तरह गोबर पर कमेंट ठोक रहे हो। तो और क्या करूं? बचपन में मैं एक लड़के के बाप से भिड़ गया था क्योंकि उसने तुझे मारा था, हालांकि वो पहलवान था। उस दिन उसने मुझे कितना धोया और तू एक फिल्म की टिकट ब्लैक करने निकल गया, तेरी वजह से मुझे शर्म से पानी पानी होना पड़ा। चिल्लू भर पानी में डूब जाते तो पूरे पानी हो जाते। चुप कर नालायक कहीं का। भाई साहब, मैंने इसका नाम अपने बाप के नाम पर रखा था, लेकिन इसने अपना नाम गोबर में मिला दिया। आज का फैशन आप नहीं समझेंगे। एक बात बता बेटा, तू मेरा ही बेटा है ना? इस बात को लेकर मुझे भी आप पर डाउट है डैडी। अबे तू कभी नहीं सुधर सकता, इस जन्म में क्या 100 जन्म में भी नहीं सुधर सकता। अरे
साइट पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए कहा था। काम शुरू हो गया है ना? नहीं मैडम, वो अन्ना नाम का गुंडा जमीन पर कुंडली मारकर बैठ गया, काम ही नहीं करने देता। उसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उसके लिए हम आपके आने का इंतजार ही कर रहे थे मैडम। बात अगर इतनी बढ़ गई थी तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मिनिस्टर का खास है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। हाँ मैडम, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। ठीक है मैडम, मैंने उसकी पूरी इंक्वायरी कर ली है, अब आप खुद ही अपनी ताकत से उसे वहाँ से हटवा सकती हैं। देवराज को फोन करो। हेलो, देवराज को फोन दो। हाँ अभी देता हूँ। बाबा आपके लिए फोन है। हेलो मैडम, ने आपको यहाँ फौरन बुलाया है। आया। भाई राजेश्वरी मैडम आ रही है। ये जमीन उसे काम बंद करने के लिए इसलिए नहीं कहा कि मैं तेरी बात सुनूं, बल्कि इसलिए कहा कि तू मेरी बात सुने, समझा गया? मेरी जमीन खाली कर और यहाँ से निकल। अब उनसे कोई पंगा मत लेना, गाड़ी में देख। तुम पुलिस के पास जाओ या कोर्ट में जाओ, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ए, काम चालू करो रे। अन्ना से शाम तक ऐसा गायब करूंगा कहीं दिखाई नहीं देगी। मैडम, उसने आपको धमकी दी और आपने सब चुपचाप सुन लिया, आपने उसको जवाब नहीं दिया। मैं कुछ बोलूंगी तो भी उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। तेरी बात सुनो, बल्कि इसलिए रोका ताकि तू मेरी बात अच्छे से सुन ले। अगर कुछ गलत करना चाहता है तो सिर्फ खुद को 30 मार खा मत समझ, दूसरा भी तेरा बाप हो सकता है। आज हम कैटरीना फैन क्लब की नई ब्रांच खोलेंगे। चिन्ना, मैकेनिक के पास जा और ये स्कूटर ठीक करा के ला। ये स्कूटर नहीं, फर्नीचर है, इसकी सर्विस कोई भी नहीं कर सकता। इसे ठीक मत करवाओ, इसकी कब्र खुदवाओ। बनाने की जगह बिगाड़ रहा है, टिकट ब्लैक करते हुए शर्म नहीं आती और घर का काम करने में शर्म आ रही है। डैडी, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है, अगर मेरा फेस डैमेज हो गया ना तो मैं आपकी तरफ बदसूरत दिखूंगा। कोई लड़की मेरे साथ डांस में चांस नहीं मारे। I have reached the destination. आ गया एक और अंग्रेज की औरत। Any problem, dear? ये आदमी मेरी प्रॉब्लम है। ये फादर लोग होते ही प्रॉब्लम है। इनको क्या मालूम काम चोरी कितना बड़ा चैलेंज है। बॉस, उधर देखो सरवना कैसे शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। साला एक नंबर का महा चालू लड़का है वो गुरु। करेक्टली से पूरे इलाके में ये हमारा इकलौता जानी दुश्मन है, उसे देखने पर पनौती लगेगी। पीछे देखो, ओहो यहाँ मेरा काला बाप है। और पीछे देखो। सर्वाना, इधर आ बेटा। मैं अभी आया। कैसे हो? ठीक हूँ बेटा। हीरो बन बेटा मंदिर गए थे? हाँ दीदी, सुबह 6 बजे काली माँ के मंदिर, 7 बजे बापा के मंदिर और 8 बजे गिरधर गोपाल के मंदिर से होकर वापस आ रहा हूँ। ये ले बेटा कॉफी पी ले। नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, मैं तो पानी तक नहीं पीने वाला। अंकल, अबे ये लड़का रोज नहा धो के सुबह मंदिर जाता है, पर मंदिर जाना तो दूर, तू तो महीनों महीनों तक नहाता भी नहीं है। क्या बताऊं, एक जमाना था जब ये अपने सर के बाल दान में देने वाला था, और अब ये हाल है कि पायदान बन के घूम रहा है, नाक में दम कर रखा है। इसे तुम कुछ सलाह दो बेटा। सलाह देना बहुत आसान है लेकिन उनका पालन करना मुश्किल है। इसमें गलती सिर्फ इनकी ही नहीं, आपकी भी है अंकल। बार बार इन्हें मारने की धमकी देने से कुछ नहीं होगा, एक दिन धो डालो।
और इनकी ऐसी धुलाई करो कि दिमाग का उड़ा हुआ फ्यूज रिपेयर हो जाए। वही मौका तो ढूंढ रहा हूँ। इस उम्र में इन्हें आपकी देखभाल करनी चाहिए, जबकि आप इन्हें आज भी पॉकेट में नहीं देते हैं। हेयर कटिंग और शेविंग के लिए पैसे देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ड्रिंक और दूसरे कामों के लिए पैसे देना बंद। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं। नंबर वन, सिर्फ पॉकेट मनी ही नहीं, पॉकेट भी छीन लीजिए। नंबर टू, इसे खाना देना बंद कर दीजिए, और तभी दीजिए जब ये नौकरी ढूंढ के लाए। भूखा रहने पर ही इसे भूख की कदर पता चलेगी, उसके बाद ये खुद ही नौकरी ढूंढ लेगा। देखो, इनसे घर का काम करवाओ, बर्तन मजवाओ और साथ साथ कपड़े भी धुलवाओ। तब तक करवाओ जब तक ये भाई से बाई नहीं बने। तुम कहते हो इनका खाना बंद कर दो और इनकी शादी करवा दो, और शादी के बाद भी अगर ये नहीं सुधरे तो हो ही नहीं सकता। इनके लिए लड़कियां देख लो, पर शादी अभी मत कराना। बाप के लिए लड़कियां नहीं पर ऐसे लड़के बोझ होते हैं। अगर इन निकोमो की शादी हो भी गई तो इन पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग जाएगा और ये जेल जाएंगे। देखिए अंकल, अगर आप मेरी बातों को बस 30 दिन तक फॉलो करेंगे तो 31वें दिन हम मर जाएंगे, ये सुधर जाएंगे। ब्रदर, मैं तुम्हें करोड़पति या अरबपति बनने नहीं कह रहा हूँ, एटलीस्ट अपने पैसों से कम एक पाव भाजी का ठेला तो खरीद लो। मैं नहीं चाहता कि तुम टाटा या बिरला बन जाओ, कम से कम अपने पैसों से बाटा की चप्पल तो खरीद कर पहनो। आज के बाद एक दूसरे के साथ मत रहो, और बिगड़ जाओगे। चारों दिशाओं में फैल जाओ, देखना लाइफ सेटल हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। प्रसाद लोगे? ए सरवना, इन आवारा लड़कों से बात मत करो। सारे एक नंबर के पनौती हैं, आ मैं तेरी नजर उतारू। अभी आया, चलता हूँ। गुरु, पहले तो कुछ लोग गलती से इज्जत दे दिया करते थे, झूठी रोटी या बासी चाय तो पिला ही दिया करते थे, लेकिन इसने तो पूरी इज्जत को वॉशिंग मशीन में धुला डाला। दर्जनों छुरियां चल जाती हैं इस दिल पर जब हमारे घर वाले उसका एग्जाम्पल देते हैं। मेरे पास इसके लिए कड़क आइडिया है। कैसा आइडिया गुरु, जल्दी बताओ। उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का, आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, कान के बदले कान। बॉस, राइमिंग अच्छी थी, टाइमिंग बेकार थी, बैठ जा। भाई लोग, हमारा पहला पंच एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमने पंच मार दिया तो वाट लग जाएगी। इस बार टाइमिंग अच्छी थी, राइमिंग घटिया थी, बैठ जा। भाई बंधु, हम सब उसे मार डालेंगे। क्या? यस। और उसके लिए हम में से किसी एक को इंसानी बम बनना पड़ेगा। पहले इंसान तो बन जाओ, उसके बाद इंसानी बम बनना। बिना सोचे समझे प्लानिंग करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत प्लान बनाना बहुत बड़ी गलती है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे ऊपर इतने भड़के हुए? बोलो ना। सलाह देने के आड़ में तुमने हमारे माँ बाप को भड़काया है। खाना पीना, पॉकेट मनी और इज्जत, तुम्हारी वजह से इन सारी चीजों का खाक खुजा, बत्ती बुझा हो गया है, और तुम भोले बनकर पूछ रहे हो तुमने हमारा क्या बुरा किया है। इसलिए मुझे मारने का प्लान बना रहे थे। देखो, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे एडवाइस मांगी तो मैंने उनको दे दी, अब तुम मुझसे एडवाइस मांगोगे तो मैं तुम्हें मना थोड़ी करूंगा। टेल मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? एक्चुअली नहीं, इससे मदद मांगना यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना। खुद मदद के लिए आया और अपना भाव बढ़ा रहा है। दोस्त, दूध, लस्सी, उकाला, इनमें से कुछ नहीं मिलेगा, हमारी जेब खाली है। बैठो। ब्रदर, तुम जवान, मैं जवान, नाम से बुलाओ चलेगा। चीना, बोल बुन्ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कल तक सिर्फ बाहर वाले हमें कचरा समझते थे, अब तो घर वाले भी हमें खटारा समझते हैं। ओह, मतलब घर और बाहर दोनों जगह इज्जत नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग अपने गधों की भी शादी करवाते हैं, लेकिन हम तो घोड़े बन गए हैं, फिर भी हमारी शादी नहीं हुई है। जवानी में हमारी जवानी का जोश रोज बबल की तरफ फूलता है, और फूटते हुए ये कहता है कि जाओ शादी कर लो, बीवी बना लो, ऐसे में हम क्या करें? अगर इज्जत बढ़ानी है तो अमीर बन जाओ। अमीर बनने के लिए क्या करना है? अमीर बनने के लिए तो पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, किस्मत की चक्री चलानी होगी। अगर ऐसे आहा उहू करते रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ब्रदर, दो मिनट वाले नूडल से भी मैं फटाफट अमीर बनना चाहता हूँ, आइडिया है? मतलब बिना मेहनत किए तुम लोगों को अमीर बनाना। यस, सॉरी। ओके, मैं तुम्हें अमीर बनने का आइडिया बताऊंगा, वो भी शॉर्टकट में। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी अमीर लड़की को प्यार के जाल में फंसा कर उससे शादी कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक अमीर बन जाओगे। लेकिन अमीर लड़की को पटाने के लिए मुझे अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी ना। लाइफस्टाइल नहीं, सिर्फ हेयर स्टाइल। बॉस, अगर ऐसे ही बैठे रहे तो पास कैसे होंगे? पास्ता खा के पास हो जाएंगे। गुरु, ये हमारे एरिया का एक नंबर का कॉलेज है। अच्छा, इस कॉलेज में सारे अमीर बाप की बेटियां पढ़ती हैं। वॉचमैन की सिक्योरिटी टाइट करने के लिए खंबा दे दिया है, वो हमें लड़कियों की लिस्ट दे देगा, उसमें से एक भी सेट हो गई तो अपनी लाइफ सेटल। बॉस,
अपने पीछे देखो, नाम है रीटा। इसके बारे में और बता। हाँ बॉस, इसको अगर सेट कर डाला तो लाइव झींगा लाला। इसके बाप की कितनी फैक्ट्री है? सड़क पर पानी पूरी का ठेला है। बेटा तो इस वक्त भूखा है, इसीलिए इसके साथ सेटिंग करके अपनी भूख मिटाना चाहता है। तुझे खाना है पानी पूरी, भेल पूरी, मसाला पूरी, ये सब छोड़ और मालदार बाप की सुंदर सुंदर लड़कियों को पकड़। गुरु, ये देखो मेक इन इंडिया, लड़की का नाम है रेखा। रेखा को देखा, लेकिन रेखा को देना पड़ेगा टेका वरना वो गिर जाएगी। गिरने की बात मत करो बॉस, यहाँ हमसे गिरा हुआ और कोई नहीं। लड़की दिखने में कैसी भी हो परवाह नहीं, माला माल होनी चाहिए, सिर्फ तभी हमारी लाइफ सेटल हो पाएगी। पहले बोला होता मैं साथ में छाता ले आता। ठंडी हवा चलने लगी है, मेरे पैर टुचुक टुचुक हिलने लगे, पीले रंग के सस्ते फूल उड़ने लगे। इसका मतलब हीरोइन की एंट्री होने वाली है। लिस्ट में सबसे अमीर लड़की, गुरु इसको पढ़ा लो ना प्लीज। चलो बॉस, इसे मेरी भाभी बना दो। अपनी गटर का शटर बंद कर। दोस्तों में आपस में कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। चलो ओके, हम सब ट्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा। और हम लोग फिलहाल तुम भजिए तलो, मैं तो चला। मैडम बैग। जब गए थे तो चेहरा टमाटर की तरह खिल रहा था और अब टमाटो सॉस की तरह जगह जगह से जूस निकल रहा है। तुझे ये जूस दिख रहा है क्या? अबे चूस लिया है मुझे। बॉस, उसको बिना टच किए आपका मुंह टूट गया। अगर टच करते तो पता नहीं क्या क्या टूट जाता। पनौती पहले से नेगेटिव बात करता है, बी पॉजिटिव यार। हमारे साथ आज तक कुछ पॉजिटिव हुआ है? पॉजिटिव सोचे कैसे? मेरा चाचा एचआईवी पॉजिटिव था। अब हमें आगे क्या करना है ये सोचो। उसी से जाके पूछता है जिसने ये आइडिया दिया था। आइडिया का सिम हमने दुकान से लिया था और फोन में डाल दिया था। अगर ज्यादा बोला ना तो तेरे फोन का तो क्या, तेरा बैलेंस बिगाड़ दूंगा। हमारे पास एक ही रास्ता है, शर्वना। ऐसा क्या काम था जो मुझे अर्जेंटली बुला लिया? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मंदिर में जाना है। तुम्हें मंदिर जाना है, लेकिन हमें तो प्यार का मंदिर बनाना है। लव लव लव। मुझे तुमसे अपनी लाइफ और होने वाली वाइफ के बारे में बात करनी है। एक रापची का आइडिया दो, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। वो कहते हैं ना, जैसा बोएगा वैसा ढोएगा। चलो ठीक है, बैठ जाओ, आइडिया देता हूँ। बैठ गया, लेकिन पहले प्रॉब्लम क्या है बताओ। शर्वना, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कोई लड़की मुझ पर लट्टू हो जाए। उसके लिए तो लड़की को इम्प्रेस करना होगा। इम्प्रेस कैसे करना है? इम्प्रेस करने के लिए वो करो जो उसको अच्छा लगता हो। लेकिन उसको अच्छा क्या लगता है? शर्वना प्लीज, भाव मत खाओ, खाना खाओ प्लीज, आइडिया बताओ। ठीक है, बॉक्सिंग। अगर उसे बॉक्सिंग पसंद है तो बॉक्सिंग सीख लो और कंपटीशन में हिस्सा लो। ये पहले ही अपनी नाक तोड़वा चुका है, अब बॉक्सिंग करके पूरी बॉडी पंचर करना है क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, स्विमिंग। तुम स्विमिंग सीख लो और उसे इम्प्रेस करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ देखो, अगर उसे गाना पसंद है तो मैं तुम उसे गाना सुनाऊं। लड़की को बेहोश मत करना, बस ये एक एहसान करना उस पे। माँ का सम। अच्छा, उसे इम्प्रेस करने का कोई और तरीका नहीं है? एक तरीका है, या तो तुम्हें उसके लिए जान देनी होगी या फिर उसकी जान बचानी होगी। ऐसा किया तो तुमसे इम्प्रेस होगी और प्यार करने लगेगी। जान लेने या जान देने के लिए तुम्हारी जान में इतना दम नहीं है, जान फटके हाथ में आ जाएगी। लेकिन उसकी जान बचा के तुम उसे अपनी जान बना सकते हो। लेकिन कैसे यार? देखो गुरु, ऐसा है कि वो 5 मिनट में कॉलेज से बाहर निकलने वाली है। मैंने यूट्यूब पे देख के ब्रेक फेल करना एकदम सीख लिया। उसकी स्कूटी रुकेगी नहीं और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगेगी। फिर तुम अपनी हाथ गाड़ी मतलब बाइक पर जाके उसे बचा लेना, फिर तुम्हारा म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो जाएगा, देखना। क्या हुआ, कुछ लोचा है? प्लान झकास नहीं लगा? प्लान तो बहुत ही सॉलिड है, लेकिन बहुत ही पुराना घिसा पिटा है। गिव मी सम ओरिजिनल न्यू आइडिया सर जी। नए के चक्कर में पुराना भी हाथ से निकल जाएगा, जितना कहा बस उतना ही करो।
ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारा गुरु ये काम करेगा, लेकिन गेम स्टार्ट तुम करोगे और एंड मैं करूंगा। ठीक है, चल भाई, यही बात थी। चल चल। मेरी बैंड क्यों बज रही? गुरु, ब्रेक की वायर निकाल दी है, वो कभी भी आती होगी, तैयार रहना। ओके। देखो, स्कूटी पे एक प्यारी तितली उड़ के जा रही है। अरे ओ कैटरपिलर, उस तितली को तुम्हें पकड़ा है, जाओ। ये स्टार्ट नहीं हो रही, पेट्रोल नहीं भरा है क्या? अरे क्या कर रहे हो, चाबी तो लगाओ। चाबी चाबी चाबी, हाँ चाबी किधर लगा? अरे पेट्रोल टैंक में नहीं, इधर लगाओ। क्या करूँ, दिल की धक धक थोड़ी बढ़ रही है। इंप्रेस तो दूर की बात है, ये तो बाइक क्रैश करके आएगा। बाइक स्टार्ट हो गई, अब लव स्टोरी स्टार्ट होगी। ये सुंदरी को बचाने मैं जा रहा हूँ, यही सीन स्क्रिप्ट में लिखा था। ए शर्वना, शर्वना रुको। ये तो गोल गोल रानी इतना इतना पानी खेल रहा है। सुनो, एक बात बताओ, घर से रोज निकलने से पहले अपनी लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बालों को अच्छे से चेक करके निकलती हो ना, उसी तरह से अपनी स्कूटी का ब्रेक चेक करके नहीं निकल सकती क्या? ये तो अच्छा हुआ कि ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया तुम्हें बचाने के लिए। ऊपर वाले को और कोई काम नहीं है क्या? उसने तुझे व्हाट्सएप किया था कि इस लड़की की स्कूटी की ब्रेक हम फेल करने वाले हैं, और तुझे बोला कि जा उस लड़की को बचा और उसका हीरो बन जा। तूने मेरे लिखे हुए सीन पर पानी, पानी नहीं पेट्रोल फेर दिया। तू बन गया हीरो, मैं बन गया जीरो। वेट वेट वेट, मैं बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ होगा। उसने हीरो वाली एंट्री मारी और तुझे बचा लिया। उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, तूने उसे थैंक्स बोला और उसने कहा ये तो मेरा फर्ज था, और फिर क्या, तुम दोनों को पहली नजर में पहला प्यार हो गया। जोआना, मैं जो कह रही हूँ सीरियस बात है, आज की दुनिया में किसी के पास भी टाइम नहीं होता है, ऐसे में उसने मुझे बचाया, सोचो कितनी बड़ी बात है। अगर मैं सच कहूँ तो ऐसे लड़के कम ही मिलते हैं। लड़के दिखने में सब अच्छे होते हैं, लेकिन दोस्ती के बाद ही उनकी असलियत पता चलती है। क्या मतलब? वो कल मिला था, आज पता पूछेगा, कल आके लव लेटर थमा देगा। ऐसा नहीं करेगा वो। एक्सक्यूज मी, मैंने जिस लड़के के बारे में कहा था ना, यही है वो। मैंने बोला था कल आएगा, ये तो आज ही टपक पड़ा। चुप कर, बोलो क्या बोलना है। कुछ बोलने नहीं, कुछ देने आया हूँ। क्या देना है? लव लेटर। क्या? लड़के ऐसे ही होते हैं, एक अच्छी लड़की को देखते ही इनके दिमाग में प्यार का भूत सवार हो जाता है, और फिर ये लो। एक मिनट, किसी लड़की से अगर प्यार हो जाए तो उसे लव लेटर देना कोई गलत बात नहीं है। गलत तब होता है जब उसके मना करने के बावजूद भी मैं उसका पीछा करूं। मेरे बॉडीगार्ड आए, उससे पहले यहाँ से चले जाओ। थोड़ा टाइम ले, सोच के आराम से जवाब देना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम को लव लेटर देने की? मुझे क्यों पीट रहे हो? सिर्फ लेटर लाने के लिए कोई इतना मारता है क्या? तो मेरे बॉस का क्या होगा जिसने ये लेटर दिया है? कौन है वो? वो इलाके का जाना माना भाई है, डॉन। सच सच बोल। ओके बॉयज, मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर कट बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था। ए, वो देख, मिस्टर हीरो स्टाइल से लिप से चिप्स खा रहा है। मेरे सामने मेरे दुश्मन की डींगे हांक रहा है, चिरकुट। उसको बोल गुरु ने उसको इधर बुलाया, इधर। तुम्हारा आउटगोइंग बंद है क्या? मैं बुलाने जाऊंगा तो वो डर के भाग जाएगा। माथे पे सीधे कुछ लिखा है क्या? वो यहाँ पर आएगा और तुम भाग जाओगे। ए शर्वना, इधर आ। आता हूँ। बॉस, उसे यहाँ क्यों बुलाया? उसकी वजह से रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। पता नहीं आज कौन सा गड्ढा खुदा है।
और उस गड्ढे में हम सबको गिराने वाला है। अपनी पनौती चोंच बनकर, और इस बार गड्ढे में वो खुद गिरेगा। बोलिए बॉस। ए शर्वना, हम सब ने मिलकर लड़की को पटाने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन लड़की के सामने तू हीरो बन गया। जो भी कहना है वो साफ साफ कहो ना। साफ साफ कहूँ, मैं गला फाड़ता रहा और तुम फुल स्पीड में बाइक लेके लड़की को बचाने चले गए। क्या बात कर रहे हो, कहाँ पर? आपने बुलाया और हम नहीं रुके? ऊपर वाले, ये सब सुनने से पहले मैं पहरा क्यों नहीं हो गया? ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हीरोगिरी मत झाड़। तूने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैंने तुझे देख लिया था। तूने उस लड़की को बचाया जिसकी स्कूटी की ब्रेक फेल हो गई। हाँ बॉस, बचाया था ना। आपकी सिस्टर है क्या? वो अपने बॉस की लवर है। तेरे भाई की लवर? मतलब ये गुरु घंटाल। उसकी जान के चक्कर में इनकी जान मार दी। किसी की जान बचाना गुनाह है क्या? किसी की जान बचाना गुनाह नहीं है, पर मुझे ओवरटेक करके मेरी होने वाली बीवी को बचाना गुनाह है। बॉस, ये मुझे पता नहीं था। लोग बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं तो ये बंदा उनकी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। अच्छा, तो अब तुम मेरी भी एक मदद करेगा। वहाँ जो सुंदर लड़की खड़ी है ना, तेरी भाभी है। जाओ उसे ये खत देकर आ, तेरे भाई की तरफ से तेरी भाभी को लव लेटर। आप ये लेटर खुद नहीं दे सकते? इसके जी में डी होता तो खुद नहीं दे देता। मेरे दुश्मन के सामने मेरी खिल्ली उड़ाई तो लेफ्ट चप्पल से राइट गाल पर मारूंगा, ये ले। अरे बॉस, आप में लेटर देने की हिम्मत नहीं है तो लड़की को कैसे पटाओगे? क्योंकि अपने बॉस में हिम्मत नहीं है। तुझे चप्पल ठोको क्या? जा देखे। ठीक है बॉस, अगर उसने कंप्लेंट कर दी और केस हो गया तो मैं क्या करूंगा? पहले से ये डरा हुआ है, तू और डरा के पैंट गिली करना चाहता है क्या? शुभ मुहूर्त के निकलने से पहले तू निकल जा। वरना क्या? वरना बॉस को चप्पल पड़ेगी। तुम जैसे दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। नॉनसेंस। ये सब हुआ था। सॉरी बॉस। इट्स ओके ब्रदर। हमें उसके पास ले चल। ये मैं क्या देख रहा हूँ? शर्वना सेंटर में चल रहा है और लेफ्ट राइट बड़े बड़े बॉडीगार्ड चल रहे हैं। मटन की दुकान मुस्टंडे। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तरफ ही आ रहे हैं। हमारी तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। मेरी तरफ? हमेशा की तरह डरपोक दोस्त भाग गए, तो कुछ तो होने वाला है। आओ शर्वना, तुम्हें देख के मेरे पंटर लोग सटासट भाग क्यों गए? मेरी उसके साथ कहाँ डेट फिक्स हुई है? ये वहाँ लेकर जाएंगे। ये लोग कम ऑन कम ऑन चलते हैं। आप लोगों की बत्ती से देखकर लगता है उस कुड़ी ने मुझे अपना पति मान लिया है। शादी का कार्ड कौन छापेगा, लड़के वाले लड़की वाले? पहले तो गाड़ी में बैठ, बताते हैं। मेरा हाथ संभल के। एसी गाड़ी नहीं है, खिड़की क्यों खुली है? अब लुका छुपी में कमाल हो। हम छिपने के लिए यहाँ वहाँ जगह ढूंढ रहे थे और आप इस कचरे के डब्बे में छुप गए। मुझे मार मार के आउट कर दिया, कार से गेट आउट कर दिया और मैं सीधा कचरे के डिब्बे में टपका। हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी। अकेले में क्या कहना है, जो कहना है वो सबके सामने कहो। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि पता है उस दिन जब ब्रेक फेल हुए तो मैंने एक हीरो की तरह तुम्हारी जान बचाई। कल लव लेटर के चक्कर में तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मुझे मारा, इसलिए अब तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है और तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया है। रात भर तुम बस मेरे बारे में सोचती रही, बिस्तर पर करवटें बदलती रही, लाइट्स ऑन और ऑफ करते करते ये भी नहीं पता चला कि सुबह कब हो गई। पेपर पर मेरा नाम लिखते लिखते इंक खत्म कर दी। जिंदगी साथ साथ बिताने के रंगीन सपने भी देख लिए। खैर, सपने तो सपने होते हैं, रियल में ऐसा नहीं होता। कम से कम एक बार मेरी पहले तुम सुनो। मैं अपनी जिंदगी या तो विवेकानंद या बुद्धा की तरह जीना चाहता हूँ। सिंपल थिंकिंग का फंडा अपनाना चाहता हूँ। नारी का दिल जीतना है मुझे, लेकिन शक्ति से नहीं, भक्ति से। तुम ये क्या? बस बस बस, तुम लड़कियां जब मुझ जैसे हैंडसम लड़के को देखती हो तो ठीक है, मुझ जैसे सिंपल लड़के को देखने पर तुम्हें कुछ कुछ होता होगा, बट मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। हेलो, एक मिनट, जो मन में आया तुम बस बोलते जा रहे हो। तुम जानते भी हो मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मैं कोई प्यार व्यार का इजहार करने नहीं आई हूँ। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें मारा, इसलिए मैं तुम्हें सॉरी बोलने आई हूँ। तुमने तो पूरी की पूरी लव स्टोरी लिख दी, ख्याली पुलाव बनाया भी और उसे खुद ही खा भी लिया, ये कोई बात हुई? सॉरी, ये पहले बताना चाहिए था ना। तुमने बोलने का मौका दिया, तुमने जब अकेले में बात करने की बात कही तो मैंने सोचा कि तुम मुझे आई लव यू बोलने के लिए आई हो, इसलिए गलती से मिस्टेक हो गई। खैर छोड़ो, जो हुआ सो भूल जाओ। तुम निकलो अपने रास्ते, मैं चला अपनी सड़क। आगे से एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, ओके? स्मार्ट लड़का देखती पीछा करना शुरू। ये लड़का हटके है, इतनी सुंदर लड़की को देखकर आखिर कौन लड़का होगा जो लाइन नहीं मारेगा? पर इसकी बात ही अलग है।
हाँ, जिस तरह से इसने मुझसे बात की है ना, सीधे दिल पे लगी है। अच्छा लड़का है। पब्लिक पार्क में खुलेआम रोमांस करते हो, शर्म नहीं आती? बेशर्म कहीं के, जाओ यहाँ से। वो मुझे पप्पी ले रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? किस करना गलत है क्या? पार्क में वॉक करना गलत नहीं है, किस करना गलत है? हे, वो एक दूसरे को हग करे या फिर किस करे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हुँ? लड़के साधारण लड़की को तो छोड़ते नहीं है, और यहाँ देखो मैं इतनी सुंदर लड़की हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ और तुम्हों के भाव खाए जा रहे हो, मेरी सुन ही नहीं रहे हो। चलो मुझे किस दो, कोई दूसरा ढूंढ लो। एक बार समझाए ना, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे ये पसंद है। देखो ये सब मुझे पसंद नहीं है, तुम जैसी लड़की अगर मुझ जैसे डिसेंट लड़के का पीछा करेगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे, वो लोग बस इतना कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम मुझे पसंद नहीं हो, समझ गई? और जरा वजह बताओगे? प्यार वो होता है जो पहली नजर में हो जाए, उसमें जबरदस्ती नहीं होती। एक लड़का लड़की को लुभाए तो वो रोमांस होता है, लेकिन अगर लड़की लड़के का पीछा करे तो वो नॉनसेंस कहलाती है। मेरे एरिया के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, उसे खराब मत करो। आज के बाद तुमने मेरा पीछा किया तो सीधे पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, सावधान। मेरे पीछे लड़के लट्टू बनकर घूमते हैं और इसके पीछे मैं लट्टू हो गई हूँ, टू मच हो गया। लाइफ में शादी करूंगी तो इसी से, वरना मैं कुमारी ही रहूंगी। ये गायत्री का सेल्फ प्रॉमिस है, इट्स अ चैलेंज। गुरु ये तो आपसे भी बड़ा गुरु घंटाल निकला, आपकी ऐसी घंटी बजाई और बिना मुंह खोले घंटा बोल के निकल गया। करेक्ट, आपको एकदम चूरन लगा डाला, वो भी सस्ता वाला। आपका बैटला खराब नहीं, एकदम जुलाब है। सब खत्म करने का टाइम आ गया है। सुसाइड करने का आइडिया बुरा नहीं है बॉस। किसी सुंदर लड़की के लिए मैं मर जाऊं ऐसा तो मैं हूं नहीं। गेम तो अब शुरू हुई है, वो मेरे सामने उछलते कूदते आएगी और बोलेगी मैं तुम्हारी हूँ। अब डींगे हाँकने से क्या फायदा, वो तो उसकी हो चुकी है। आज भले ही लॉटरी उसे लग गई हो, लेकिन कल जैकपॉट मेरा लगेगा। कुड़ी को चूड़ी मैं पहनाऊंगा। और परसों का क्या? परसों तेरी बारी बेटा। मम्मी बचा, परसों हम चिकन राइस खाएंगे। ओ, आप कौन सा घटिया रूप दिखाओगे? अब तक तुम सब ने चिन्ना का सिर्फ साइलेंट मोड देखा है, गुस्से वाला झन्नाटेदार मोड नहीं देखा है। कल मैं गुस्से का बम फोड़ूंगा। मदद करने का वादा करो, तभी मैं तुम्हारे पैर छोड़ूंगा। उठो भाई और बैठ के बात करो। प्लीज चलो, हेल्प मी प्लीज प्लीज प्लीज। रोना बंद करो और क्या हुआ है बताओ। तुम गायत्री से प्यार करते हो ना? ये तुम गलत बोल रहे हो, मैं नहीं, वो प्यार करती है। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा सिक्का खोटा नहीं है। सामने वाले का फ्यूज उड़ा हुआ है, इसकी वजह से मेरी नींद उड़ गई है। पर अगर तुम हम दोनों को 2-1 बना दो, हमारी शादी करवा दो, तो उसके नाम की अंगूठी मैं उंगली में पहन के जुग जुग जी जाऊंगा। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बस मेरा सुपर डुपर आइडिया सुनो और दिल से मेरी मदद करो भाई। गुरु चलो हो जाओ शुरू। इसकी मदद मत लो, मेरा आइडिया सुनो और उस पे काम करो, सक्सेस पक्का है। बोलूं क्या? अबे चुप कर झिंगुर, तेरे आइडियाज ने क्या गुल खिलाया मैं देख चुका हूँ। अब मेरी खोपड़ी की झोपड़ी का आइडिया सुन, मैंने तुझे उसके शरबत में हरकत मिलाने को बोला था ना, काम हो गया? ये लो पियो, अपनी प्यास बुझाओ, पूरा का पूरा घटक लो। आइडिया सुनाऊं? बताओ। शर्वना, वो तुम्हें पसंद करती है क्योंकि तुम सीधे सादे हो, तमीज और प्यार से बात करते हो, इसलिए वो फिदा हो गई है। अगर अभी मैं उसके पास गया तो उसकी नजर में मैं विलन बन जाऊंगा, गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके उसके सामने गंदी तरह पेश आना है। क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, लो गला गीला करो। ओके बॉस, आदमी तो तुम एक नंबर के झूठे हो, लेकिन तुम्हारा प्यार झूठा नहीं है। तुमने मेरा दिल जीत लिया, कल के कल ही
वो आएगी और तुम्हें जानू बोल के तुमसे लिपट जाएगी। मेरे चेलो, मेरे चमचो, आज के बाद मैं कभी नहीं चलूंगा। सिर्फ महंगी महंगी और लंबी लंबी गाड़ियों के अंदर घूमूंगा। ए, शेरवन भाग रहा है, पकड़ो उसे, कैच है, पकड़ो। शेरवन, तू लड़की को मेरे लिए पटा के हमारी जोड़ी नंबर वन बनाने वाला था ना, अब चुपचाप खिसक के कहाँ जा रहा है? गाँव जा रहा हूँ। गाँव जा रहा है? मैंने तेरे नाजुक कंधों पे बड़ी सी जिम्मेदारी डाली थी, लेकिन तू सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव जा रहा है? ओ नहीं, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। What do you mean? एक बहुत बड़ी भूल हो गई। बहुत बड़ी भूल हो गई? लेकिन तू तो मेरे बताया सीन पर इन मीन 3:30 करने गया था ना? सीन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। स्टोरी नहीं, पूरा का पूरा डिटेल में बता, क्या हुआ था? आपकी सेटिंग कराने में उसके घर गया था। सर्वना, हे, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? देखो, मैं तुमसे तभी अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं उस पर गिर गया और तभी बत्ती भी गुल हो गई। गया था तुम्हारी सेटिंग करने, लेकिन मेरी सेटिंग हो गई। यस, उसने कहा हमारे बीच हुआ हुआ। उसके बाद सुबह हो गई। फिर क्या हुआ? नहीं, 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 नहीं। अब रोना धोना बंद करो, जो होना था सो तो हो गया। मैं जाकर नहा कर आती हूँ, फिर मंदिर में शादी कर लेंगे। ओके, गेट रेडी, चलो। वो नहाने गई और मैं वहाँ से भाग गया और अब मैं अपने गांव जा रहा हूँ। गोरी गोरी भाभी को मैली कर दिया और अब बोलता है कि गांव जाएगा? अरे तुझे तो हम लोग पुलिस के हवाले कर देंगे, समझा ना? हाँ, पहले हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर, फिर जहाँ जाना है जाना। तो आखिर करना क्या चाहता है शर्वाना? तुमने मुझे आइडिया बताया, मैंने तुम्हें अपना हाल बताया, अब क्या करना है क्या नहीं वो तो गायत्री तय करेगी। एक मिनट हाँ बॉस। हेलो, हे फ्रॉड, तुम मेरे घर से भाग क्यों गए? जानते मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। यस, डॉक्टर ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम बाप बनने वाले हो और जुड़वा बच्चे हैं, अभी के भी हॉस्पिटल आ जाओ, समझे? किसका फोन था? जिसे तुम चाहते हो, मतलब जिसके साथ मैंने रात बिताई, वो लड़की अब प्रेग्नेंट हो गई है बॉस। जिस रफ्तार से ये सब कुछ हो रहा है, कल बच्चा भी पैदा हो जाएगा। डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने। मेरे फ्यूचर बेबी बच्चा हॉस्पिटल में है, उसे मिल के आता हूँ। कल रात को वो घर पर पी कर आया था और उसे जरा भी होश नहीं था, फिर वो बेहोश हो गया। सुबह उठकर मैंने कहा कि हमारे बीच बहुत कुछ हो गया, बस फिर क्या था, मैंने एक और झूठ बोला कि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ और उसे मुझसे मिलने के लिए तुरंत हॉस्पिटल आना पड़ेगा। और फिर तो वो वहाँ देख। ये लीजिए। चलता हूँ। डॉक्टर, वो लड़की यहाँ क्यों आई थी? वो लड़की प्रेग्नेंट है, यहाँ चेकअप के लिए आई थी। मैं चलता हूँ, जरूरत हो तो फोन करना, जैसे ही वो गांव से आए मुझे कॉल कर देना। चलो। मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी ना, धक्का लगा कि तुम्हारा भांडा इतनी जल्दी फूट गया। हाँ, वही मेरे सामने अच्छा बनने का बहुत नाटक किया, लेकिन तुम एक नंबर के धोखेबाज निकले, किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया। अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत पहले ही खुल गई मेरे सामने। ए, जानती हो वो कौन है? मेरी बहन है, वो हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। वहाँ उसे एक लड़के से प्यार हो गया, तुम शायद नहीं जानती, लेकिन वो लड़का और कोई नहीं, तुम्हारा भाई है।
हाँ गायत्री, तुम्हारा सगा भाई मेरी बहन के होने वाले बच्चे का बाप। मैं तुम्हारी बहन से शादी तो कर लूं, लेकिन मेरी माँ राजी नहीं होगी। अब तुम ही बताओ भैया, मैं क्या करूं? मैं एक बार तुम्हारी माँ से बात कर लूं क्या? मेरी माँ से बात करके कोई फायदा नहीं है। कौन है तुम्हारी माँ? राजेश्वरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओनर राजेश्वरी। तो शादी तुम्हारे माँ के आशीर्वाद से ही होगी। ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी करवा के रहूंगा। तब तक जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें टालने की कोशिश कर रहा था। तुम भले ही मुझसे दूर भागना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब एक आदमी की हालत कुत्ते जैसी हो तो उसका बेस्ट फ्रेंड कुत्ता ही होता है। ले चाट चाट के पी। मेरे तो हाथ आया पर मुंह ना लगा, पर जो भी लगा बहुत जोर से लगा, हर जगह लगा। आइए शर्मा जी। मैं बोल बोल कर थक गया बेटा, लेकिन तू नहीं माना, आ गया ना सड़क पे। प्यार में चोट खाने के बाद तुम क्या जानो क्या होता है शर्मा बाबू। चुप, बेशरम नालायक कहीं का। शर्मा बाबू बेशरम तो आप हैं, जो हर रात मेरी मम्मी के साथ एक ही पलंग पे सोते हैं। अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं? आप पलंग के नीचे क्यों नहीं सोते? बदमाश कहीं का, पी पी के तेरा दिमाग सटक गया। देख लेना मेरी ये हाय है, तू अगले जन्म में जन्म लेने को तरसेगा। जाओ पंचर कर। हां जा रहा हूं, जा रहा हूं। स्कूटर से ज्यादा खटारा तो मेरा बाप है। देवदास पार्ट 3 बने तो उसमें हीरो का रोल मेरा पक्का है। अरे नीचे उतारो यार, नीचे उतारो। अरे मेरी बात सुनो, मेरी स्त्री खराब हो जाएगी। नीचे उतारो। मुझे देख के तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपको देखने से पहले सब कुछ ठीक था, आपको देखते ही मैं कांपने लगा। इतना डर रहे हो? तो मेरी बेटी से प्यार क्यों किया? मैंने उसको टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बोला मेरी बात मम्मी कभी नहीं टालेगी, मैं जिससे भी कहूंगी मम्मी उसे शादी करा देगी, इसलिए मैं प्यार कर बैठा। आपके बारे में सुना तो बहुत था, आज पहली बार देख रहा हूँ। आप एक बार बोल दो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ से क्या, शहर छोड़ के चला जाऊंगा, और ऐसा जाऊंगा कि वापस नहीं आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। अरे भाई रास्ता रुको। इस शहर के बड़े से बड़े रईस मेरी बेटी का हाथ मांग चुके हैं, पर मैंने मना कर दिया। जानते हो क्यों? मैं नहीं चाहती अपनी बेटी की शादी उनके घर करके मेरा रुतबा उनके आगे कम हो जाए। अगर मैं एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे से उसकी शादी कराऊं, तो मेरा जमाई मुझे ही आंख दिखा के बार बार नीचा दिखाएगा। इसकी जगह मैं अगर उसकी शादी एक सीधे साधे लड़के से करूं, तो वो मेरे आगे दुम हिलाएगा। तुमने कहा मेरी बेटी तुम्हें चाहती है, तो मेरे जमाई बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैडम चलता हूँ। बेचारा प्यार के चक्कर में गया मारा है, अब तो इसे ऊपर वाला ही बचा सकता है। मम्मी ने क्या कहा? तुम्हारी मम्मी? लगता है वो हम दोनों की शादी के लिए तैयार हो गई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मम्मी, मम्मी, थैंक यू। मम्मी मैं तो डर ही गई थी कि आप कहीं मना ना कर दे, पर अब मान गई, थैंक यू। वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। मुझे जैसा लड़का चाहिए था बस वैसा ही मिल गया। मुझे तुम्हारे फैसले पर गर्व है बेटा। मेरे जमाई को मेरे सामने हमेशा झुक के रहना चाहिए और मेरी बात को बिना कहे मानना चाहिए। मैं उसके परिवार से मिलके आगे की सारी बातें
अच्छे से तय कर लूंगी। बस तुम खुश रहना। थैंक यू मम्मी। मैडम, हमने उस लड़की के बारे में छानबीन की। एकदम सीधा साधा लड़का है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने में उसका दिन खत्म हो जाता है। सीधा शब्द भी उसके लिए टेढ़ा ही है। सुनो राजू। हाँ, तुम इधर ही रुको, मैं मैडम को मिलके अभी आता हूँ। इधर ही रुकना, जाना मत। सारे फाइव स्टार होटल्स में बुकिंग कर ली है ना? फिर से कंफर्म करो। राजेश्वरी जी नमस्ते। नमस्ते, ये तो पहले ही आ गए। आइए, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने इतनी जल्दी आ गए? एक एमएलए अगर वोट नहीं मांगेगा तो दोबारा एमएलए कैसे बनेगा? अभी पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है, इसलिए मैंने सोचा घर जाके आपको पहले मिलूंगा। पता है, आप बिल्कुल सही वक्त और सही मौके पर यहाँ आए हैं। ऐसी कौन सी बात है? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। सुन के अच्छा लगा। शादी में मैं अपनी पूरी पार्टी को लेकर आऊंगा और खूब धमाल करूंगा। वैसे ये बताइए, लड़का कौन है? लड़का अमीर नहीं है, लेकिन सीधा साधा है और संस्कारी है। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरा घर जमाई बनेगा। A1 लड़का है। जरा दो, ये लीजिए। आपकी बेटी से जो भी शादी करेगा वो बहुत किस्मत वाला होगा। मैडम, यही है वो लड़का? आपको इससे अच्छा लड़का और कोई नहीं मिला? मैं कुछ समझी नहीं। मैडम, इसमें संस्कार जैसा कुछ भी नहीं है। लगता है आपने इसके बारे में कोई छानबीन नहीं की। एक नंबर का लफंगा है। आप उसे अभी मिली होंगी, लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मेरे शहर का ही रहने वाला है। मारकाट, खून खराबा जब तक नहीं करता उसका खाना हजम नहीं होता। घर से निकलते ही बस उसकी गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। उसे कोई कुछ कह दे तो बस सीधा हाथ उठाता और गाली गलौज हाथापाई शुरू। अरे मैं क्या, सारा शहर उसकी हरकतों से तंग आ गया था, बल्कि उसे हमें वहां से लात मार के निकालना पड़ा। आपको हम सबके सामने वादा करना होगा कि आगे से आपके बेटे ने अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो आप उसे शहर से निकाल देंगे। उसकी वजह से उसके बाप को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने थक हार के उसे अपने घर से निकाल भी दिया। फिर उसके बाद उसने शराफत का चोला पहना और उसकी मुलाकात आपकी बेटी से हुई। वो बला तो जैसे तैसे हमारे सर से टल गई। अब उस बला को आप अपना घर जमाई बनाकर ला रही हैं। अरे ये क्या हुआ, इतनी माहिर है मैडम फिर भी धोखा खा गई। उसने शरीफ बनने का नाटक किया, राजेश्वरी को ठगने की कोशिश की। उसने अपनी औकात दिखा दी। अब आएगी मेरी बारी। देवराज, एक अच्छी खबर सुनानी थी। बोलिए मैडम। मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कराने का फैसला कर लिया। क्यों, ठीक है ना? आप बस शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, बाकी सब मैं संभालूंगा। बहुत खुशी हुई, चलती हूँ। ये क्या बाबा, आप ही बताए, जब मैं उससे प्यार नहीं करता तो उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा, वो मेरे टाइप की नहीं। चुप कर जरा, दिमाग पर जोर डाल के सोच। भगवान ने इतनी सारी लक्ष्मी दी है, तू चाहता मैं ठुकरा दूं? राजेश्वरी को एक बेटी और एक बेटा है। अगर तेरी उससे शादी हो गई तो आधी प्रॉपर्टी का मालिक तू बनेगा। नमस्कार। तुम तैयार हो जाओ मम्मी जी। मैडम, आपके लिए फोन। कौन है? मैंने उसका नाम पूछा था लेकिन वो गालियां देने लगा। अच्छा, कौन? जमाई राजा, आपकी बेटी का होने वाला पति। हे लोफर, तेरे बारे में मुझे सब पता चल गया। अच्छा है, आपको ऑटोमेटिक सब पता चल गया। वैसे भी अपन को खुद की तारीफ करने की आदत नहीं है। सुनो लो क्लास, शरीफ बनने का नाटक करके तूने मुझे धोखा दिया है, तो मैंने भी बदला लिया। एक घंटे बाद मेरी बेटी किसी और लड़के से शादी करने वाली है। अच्छा, आपके लिए गुड न्यूज है, अपुन भी आने वाले एक घंटे के बाद शादी करने वाला है। आशीर्वाद देने के लिए आने का सासू माँ। तेरी शादी में तुझे आशीर्वाद देने मैं क्यों? अरे एक बेटी को उसकी माँ ही तो आशीर्वाद देगी ना, बाजू वाली थोड़ी देगी। आपने भले अपना जमाई बदल दिया,
लेकिन आपुन अपनी सासू माँ थोड़ी बदलेगा। आपुन शादी के हॉल में आएगा, शादी करेगा और आपसे आशीर्वाद लेके आपके घर में गृह प्रवेश करेगा। क्या बात है समधन जी, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? क्या हुआ? एक सड़क छाप लड़का इस शादी को रोक कर मेरी बेटी को अगवा करना चाहता है, उसी ने मुझे फोन करके बताया। समधन जी, आप सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरे आदमियों ने सारा हॉल घेर कर रखा है, एक चींटी भी अंदर नहीं घुस सकती। मैडम, देवराज ने कहा था अंदर कोई नहीं घुस सकता, वो तो आराम से अंदर बैठ के आपको चिढ़ा रहा। तुम्हें लगता है हमारे आदमियों के सामने ये गायत्री को इतनी आसानी से ले जा सकता है? अरे नहीं नहीं, फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। ए, जी भाई। इस छोकरे से नजर मत हटाना, ये खिसकना नहीं चाहिए। अगर कुर्सी से उठा तो टपका देना। ए, चले ए अंकल, ए आंटी, चल जा। आप निश्चिंत हो जाइए। मैडम, इतनी टेंशन में कोई आराम से चॉकलेट नहीं खा सकता, मुझे तो दाल में जरूर कुछ काला लगता है। मैडम, एक बार जाकर कमरे में देख लीजिए गायत्री है या नहीं। हाँ मैडम, जल्दी जाके देखिए। गायत्री, 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 गायत्री। समझ में नहीं आ रहा। गायत्री, 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 दरवाजा खोलो। गायत्री, गायत्री, क्या कर रही थी गायत्री? भाई, उसने आपको एड़ा बना दिया, उसने दुल्हन को नहीं दूल्हे को अगवा कर लिया है। पापा, बचाओ। इसे जाने मत देना। तुम सब लोग डफर लोग हो। तेरे बेटे के बॉडी पे बॉम्ब लगा दिया है। टाइम खत्म तो तेरा बेटा खत्म। जा जाके लौंडे को बचा। अरे इसे छोड़, मेरे बेटे को बचा। देवराज, देवराज, देवराज। मैडम, आज मेरी बेटी की शादी है। अरे काहे की शादी? शादी तब होगी जब दूल्हा यहाँ होगा ना। मैं मेरे बेटे को लाने जा रहा हूँ, चलो। सुनो तो, माला डालिए। आप यहाँ से क्या गई? गायत्री तो सिंगल से डबल हो गई मैरिज के लिए। ये लीजिए, उन पर फूल बरसाइए। चलिए आशीर्वाद लीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। चलिए जल्दी आगे आइए। सासू माँ, लड़की को भगा के शादी करना पुराना स्टाइल है, दूल्हे को अगवा करके दुल्हन से शादी करना एकदम नया स्टाइल है। चले डाली। समधी जी,
मेरी एक ही बेटी है, बड़े नाजों से इसे पाला है। मैंने अपनी बेटी को कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया। मेरी बेटी मेरी जान है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आपका बेटा मेरा घर जमाई बने। समधन जी बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा, ये इतनी दूर से तुम्हें लेने आई हैं, तुम इनके साथ चले जाओ। इनकी जगह कोई और होता तो पुलिस कंप्लेंट कर देता और तू जेल में होता। मेरी बात मान ले और इनके साथ चले जा। तू सुनता क्यों नहीं बेटा, इनके साथ चला जा। पापा, सबसे पहले तो आपने मुझे इस शहर से बाहर भेजा, अब मैं अपनी दीदी के घर में रह रहा हूं, तो वहां से भी निकलना चाहते हो? क्यों पराया कर रहे हो मुझे? अपनों के पास रहना चाहिए, ना कि उनसे दूर। अच्छा प्लान बनाया है यहां से भी बाहर निकलने का, ठीक है। वाह सासुमा वाह, ढासू स्वागत कर रही हो हमारा। गायत्री, शादी के बाद पहली बार घर आई हो, अपना दाया पैर आगे रखो। सासुमा, आप उनको कौन सा पैर पहले रखने का? जमाई, ये रिवाज सिर्फ अमीर करते हैं, गरीब तो कूद के भी आगे आ सकता है। गरीब कहीं का। सासू ने बोला तो उसको तो मानना ही पड़ेगा, अपुन जम करके अंदर जाएगा। सासुमा, अपुन का बेडरूम किधर है? बेडरूम क्यों चाहिए तुम्हें? सासुमा, जैसे बावर्ची घर में आता है ना तो किचन के बारे में पूछता है ना, क्योंकि उसका उधर ही काम होता है। अब पंडित घर में आएगा तो पूजा घर के बारे में पूछेगा, क्योंकि उसको पूजा जो करनी होती है। लेकिन जमाई घर में आएगा तो बेडरूम के बारे में ही पूछेगा ना, क्योंकि उसका काम उधर जो है। वैसे भी आप उनकी अभी अभी तो शादी हुई है, तो आने वाले कल के बारे में कुछ गुटर गुटर करने गया, और आप उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, तो सोचा सुबह सुबह रिहर्सल कर लेते हैं, तो नाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हीरो, डांस का प्रोग्राम चल रहा है क्या, रिहर्सल क्यों करनी है? ये रिहर्सल चाहे डांस का हो या चांस मारने का, प्रैक्टिस करने से आदमी चैंपियन बनता है ना। चलो डार्लिंग बेडरूम। यंगर तो हमने सोचा ही नहीं। जमाई रुको, हमारे घर में कब क्या होना है ये हमारा ज्योतिष बताता है, उनसे बात किए बिना हम कुछ नहीं करते। तुम्हारी सुहाग रात भी उनके साथ चर्चा करने के बाद ही तय होगी, तब तक अपने पर जरा काबू रखो। माँ जी, बेटी और जमाई राजा की कुंडलियां मिलाने के बाद ये समझ में आया है कि इन्हें 2 हफ्तों तक एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों करीब आए तो इन्हें कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इन दोनों ने संयम नहीं रखा तो फिर आपकी जान को खतरा है। शास्त्री जी, मेरी फिक्र मत कीजिए, बच्चों को करीब आने दीजिए। मम्मी, मेरे लिए सुहाग रात आपसे बढ़कर नहीं है। मैं ध्यान रखूंगी कि अगले 15 दिनों तक हमारे बीच कुछ ना हो, ठीक है ना मम्मी? ठीक है बेटा, जमाई को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ चलेगा। पंडित के साथ 500 का मांडोली करके सुहागरा थोड़ा पहले नहीं ला सकते? बेटा, सिंह से लेके किंग तक सब आचार्य शास्त्री के पास आते हैं। जमीनें कब खरीदनी है, घर कब बनाना है, बिजनेस कब किसके साथ करना है, ये मैं ही इनको बताते आया हूँ, और आज तक मेरी एक बात गलत साबित नहीं हुई। माँ जी, ये जमाई आपकी राशि में राहु की तरह जम गया है, संभल के रहिएगा, चलता हूँ। ओके माँ। जमाई, ज्योतिष ने क्या कहा सुना? सुन लिया। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, साथ चलो। अरे बाप रे। सासुमा, आप बात करना चाहती हो ना, तो साइलेंट मोड पे क्यों चली गई? कितने पैसे चाहिए? हनीमून के लिए? मैं हनीमून की बात नहीं कर रही, इस शादी को तोड़ने, डिवोर्स पेपर पर साइन करने और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा होने के लिए कितने पैसे चाहिए? अपन बुजदिल नहीं है जो पैसों के लिए पत्नी को छोड़ दे। अगर पैसा ज्यादा हो गया तो दान धर्म करो, पुण्य कमा लोगी। आप उनके साथ डील मत। पैसे तो इतने हैं कि तुम सोच नहीं सकते, पता है तुम जैसे 500 जमाई खरीद के दान कर सकती हूँ। हाँ, भाड़े के जमाई तो जरूर खरीद सकती हो, लेकिन आप उन जैसा टक्कर का जमाई नहीं मिलेगा। मेरी बेटी को छोड़ने के लिए क्या लोगे ये बताओ? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। सासू, मुझे और मेरी बीवी को अलग करने वाली बात पर मुझे एक डायलॉग याद आ गया, हमें अलग करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं अलग कर दूंगी, उसे एहसास दिलाऊंगी कि दौलत बिना जिंदगी नहीं जी सकते,
कसम खाती हूँ तुझे और मेरी बेटी को करीब आने नहीं दूंगी। जिस तरह तूने शरीफ बनने का नाटक किया और मुझे धोखा देके मेरे घर का जमाई बना, ठीक उसी तरह मैं साम दाम दंड भेद से कुछ ऐसा करूंगी जिससे मेरी बेटी तुझे गेट आउट कर देगी। ए, अब तक तूने सिर्फ सासू मां राजेश्वरी को देखा है, बिजनेस वुमन राजेश्वरी को नहीं देखा, पर अब देख लेना। आपने आप उनके लोफरगिरी के सिर्फ किस्से सुने हैं, अभी तक देखा नहीं है। लेकिन अभी आप देखो, प्यार के आगे पैसा नहीं टिक सकता, प्यार के आगे लालच भी नहीं टिकता, और आपको भी एक दिन झुकना ही पड़ेगा, और तब जाके आपका घमंड टूटेगा, और जब वो चूर चूर होगा ना, तभी जब आपके सर से पैसे का भूत उतरेगा, और जब वो पूरी तरह से उतर जाएगा ना, तो अपन लिख के देता है कि आप खुद ही चापुन को सामने से बुलाएंगे, जमाई राजा मेरी बेटी के लिए तू ही सही है, दम मरेंगी। हमारे बीच के इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऊंचे खानदान की हूँ, रॉयल। आपुन भी नहीं बताएगा क्योंकि आपुन शरीफ मावाली है। चैलेंज? अरे सासू माँ, चैलेंज आपुन के लिए कपड़े बदलने जैसा है। एक और बात, आपुन को ऐसी औरतें पसंद है जो दिमाग का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि आप। आई लाइक यू। खाना है। अपने पति को पति वाला सुख नहीं देगी क्या? एक किस देना, come on यार, आना 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 आना। ओ, मम्मी जाग जाएंगी, तुम जाओ यहाँ से। तू नहीं आएगी तो मैं आता हूँ। अरे चुप, रुको, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। मम्मी सो रही है, चल ताता तैयार करते हैं। कहाँ जा रही है? वो क्या ना मम्मी, लगता है टॉमी भौंक रहा है, मैं जरा उसे देख कर आती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं जाके देख के आती हूँ, सो जाओ। यहाँ मेरी हालत खराब है और ये आराम से खर्राटे ले रही है, आने दो, बताता हूँ इसको। गायत्री, मैडम मुसीबत में है। मैडम क्या हुआ मैडम? अरे जमाई राजा, तुमने क्या कर दिया बताओ? मुझे लगा गायत्री है तो मैंने क्या पप्पी ले ली। चुप करो, हमने मैडम को इतने सालों बाद चिल्लाते हुए सुना है, बताओ तुमने ऐसा क्या कर दिया था? क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं हुआ बेटा, वो गायत्री मैं पानी पीने गया था और। वाह 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 वाह, मैडम की कमर पकड़ने लपकने और किस करने के बाद देखो कैसा मासूम बन रहा है। शट अप, तुम अपने रूम में जाओ। बाय मम्मी। हे जमाई, आप जाके उस कमरे में सो जाओ, चलो जाओ। सॉरी ससुमा, ये ऐसे नहीं मानेगा, फिर से ट्राई करेगा सर। बैड बिल्ली रास्ता काटी। गायत्री सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? लकीज खराब है। सासुमा आप भूल गई क्या, पंडित ने बताए हुए 15 दिन तो कल ही पूरे हो गए, इसलिए हस्बैंड और वाइफ हनीमून के लिए बाहर जा रहे हैं। मैनेजर्स, कश्मीर के लिए 2 फ्लाइट टिकट बुक कराओ और सबसे अच्छे 5-स्टार होटल का हनीमून स्वीट रिजर्व कर दो। ओके मैडम। देखा ना मम्मी हमसे कितना प्यार करती है, और तो मैंने ठीक से समझ भी नहीं पाई। धीरे धीरे सासुमा आप उनकी खोपड़ी में घुस रही है, टाइम के साथ खोपड़ी की झोपड़ी में भी फिक्स हो जाएगी। चलो गायत्री। जमाई, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वाह, बैठो ना। छोड़ो ना, कितने
हमें ठीक से बात भी नहीं की है, थोड़ी बात कर ले। बात करनी है, पहले ये बता, अरे यहाँ हम टॉक शो करने के लिए आए हैं क्या? 15 दिनों से हम सिर्फ बातें ही तो कर रहे हैं। बातें बाद में करेंगे। सुनो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अरे बगल वाले कमरे का होगा। हम स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंड कर देंगे। अरे नहीं, कोई कोई दरवाजे पे है। अरे कोई नहीं है, आ जाओ। मैं आई कमेंट सर। हाँ आ जाओ। कहीं के लिए आया? हाँ, दिमाग का भाई और मूड का भजन नहीं आया। सारे काम बैठी तेरी मार कर साकी ना का कर को आया, कर को आया इधर वो। क्या ठीक कर देना, क्यों मार रहे हो इसे, क्या हो गया? अरे आप यहाँ पर? मैडम का एक्सीडेंट हो गया, मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा क्या? तुम जाके मैडम को संभालो, हम कल सुबह आके मिल लेंगे। ये क्या कह रहे हो, मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और तुम कह रहे हो कि हम सुबह चलेंगे? पागल हो गए हो क्या? अरे यार गायत्री, तुम्हारी मम्मी का ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे इमोशन का ख्याल तो तुम ही रखोगी। हाँ, आज रात हम दोनों यहीं पर रहेंगे और अपना जरूरी काम करके यहाँ से निकल जाएंगे। अभी तो कोई फ्लाइट भी नहीं मिलेगी। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने ट्रेन का टिकट बुक करा लिया है। मैडम लगेज कहाँ है? हमें जल्दी पहुँचना होगा। चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलो ना। कैसी हैं आप? मैनेजर ने मुझसे कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया। मैं ठीक हूँ बेटा, बस छोटा सा एक्सीडेंट था। डॉक्टर ने कहा आराम करो, 2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। हाँ, मैंने तुम्हें बताने के लिए इन्हें मना कर दिया था, ट्रेन का सफर करके थक गई होगी, जाओ जाके आराम करो। मैडम जूस। जमाई, प्लान कैसा लगा? 15 दिनों के बाद मेरी बेटी के साथ तुम हनीमून पर गए, मैंने तुम्हें वापस बुला लिया। एक बात अच्छे से याद रखना जमाई, कश्मीर तो क्या, तुम हनीमून बनाने के लिए दुनिया में कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें अपनी बेटी से अलग करूंगी। सासू माँ, आप थोड़ी लेट हैं और आप थोड़ा फास्ट। वो ट्रेन में सफर के वक्त मैंने सब कर लिया। मतलब? शर्म आती है, मैं कैसे बताऊं? वही सुहागरात। ये क्या कह रहा हूं? यही कह रहा हूं कि हमने अपनी सुहागरात ट्रेन के अंदर ही मना ली। सासू माँ, आपको लगता है कि मैं इस खेल में बच्चा हूँ, लेकिन ये बच्चा इतना कच्चा नहीं है। वैसे सासू माँ, एक छोटी सी एडवाइस फ्री में दे डालता हूँ, आग में हाथ डालोगे तो आज जलेगा। चलता हूँ। एक और बात सासू माँ, ट्रेन के फर्स्ट एसी के डिब्बे में हम लोग की स्वागत थोड़ी जल्दी में हो गई, तो सेकंड अटेम्प्ट प्यार से इत्मीनान से हो, ऐसा आपकी बेटी की ख्वाहिश है। वाइफ की इच्छा तो सर आंखों पे, अब माँ होने के नाते आपका तो फर्ज है कि बेटी की इच्छा पूरी करो। ए चंगो मंगो, तुझे बुला रहा है। नहीं, तुझे नरम नरम फूल मंगाओ और बिस्तर को सजा डालो, जमाई राजा फ्रेश होके आ रहे हैं। मैनेजर्स, ये सब कैसे हो गया? सच कहूं मैडम, मुझे पता नहीं था कि ये ट्रेन में कांड कर देगा, अगर पहले से पता होता तो अलग अलग कोच में रिजर्वेशन कराता, इसने मौके पे चौका नहीं छक्का मारा है मैडम। सिर्फ 50 crores बैलेंस? ये आज का ट्रांजैक्शन है। सुनिए मैडम, आपके समधी जी आए। ए जी। नमस्ते जी। आप कब आए? अभी अभी आए। और जाएंगे कब? जल्दी बताइए, आखिर यहाँ आना कैसे हुआ? दरअसल हमने मन्नत मांगी थी कि हमारे बेटे की शादी होने के बाद हमारे गांव में कुलदेवता के मंदिर में हवन का कार्यक्रम करेंगे, इसलिए हम दोनों की ये इच्छा थी कि हमारा बेटा और बहू इस कार्यक्रम में शामिल होते तो अच्छा होता। अगर आप भी साथ में चले तो पूरा परिवार साथ में दर्शन कर लेगा। मैं एसी के बिना नहीं रह सकती, मेरी बात तो छोड़ो, इस घर का कुत्ता भी एसी के बिना नहीं रह सकता। आपकी हालत देख के लगता है आपके गाँव में पंखा तक नहीं होगा। मैं यहाँ रोज अपने बाथटब और स्विमिंग पूल में नहाती हूँ, आपके गांव में कम से कम बाथरूम तो होगा ना? पिछले हफ्ते मैंने 10 लाख की डाइनिंग टेबल खरीदी है, टेबल के बिना मैं खाना नहीं खा सकती, आपके घर में बैठने के लिए स्टूल तो होगा ना?
अरबपति राजेश्वरी कभी रोडपति के घर कदम तक नहीं रखती है। आपका बेटा इस घर में ऐश आराम की जिंदगी जी रहा है, इस बात की खुशी मनाइए। बाकी ये मंदिर वंदिर आपको ही मुबारक हो। मुझे या मेरी बेटी को वहां बुलाने का ख्याल निकाल दो। अब जब बिन बुलाए आ गए हो तो खाना खा के ही जाना। नहीं समधन जी, हम लोग खाना खा कर ही आए हैं, अब हम चलते हैं। हाँ चलो। नमस्ते। कैसे हो बेटा? वो हम अपने कुलदेवता के मंदिर में होने वाले हवन के लिए समधन जी को बोलने आए थे। हमारी बात हो गई है, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। हम लोग चलते हैं। आओ जमाई। अपने समधी समधन की कोई ऐसी बेइज्जती करता है? मैंने तो बस अपनी तारीफ की, अब इसे कुछ भी समझो। ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। एक्चुअली रईसी मेरे खून में है। अब इतना पैसा हो तो तेवर तो आ ही जाते हैं ना। अगर तुम्हें इज्जत की इतनी परवाह थी तो अपनी औकात की लड़की से शादी क्यों नहीं कर ली? जैसे एक डायबिटिक पेशेंट को मिठाई नहीं मिलती, वैसी एक घर जमाई को इज्जत नहीं मिलती। समझ गए? जमाई राजा, अब बजाओ बाजा। हाँ, वो भी बड़ा। इस बार जबरदस्त कंपटीशन है मैडम। मगन ठीक कह रहा है मैडम। मैडम, सर आपको बुला रहे हैं। जाइए मैडम। हाँ मैडम। हेलो सर। हेलो, बैठिए। मैडम, टेंडर आपकी कंपनी के नाम से निकला है। थैंक यू सर। थैंक्स मुझे मत कहिए, थैंक्स देवरा जी को कहिए। टेंडर उनके नाम पे निकला था लेकिन उन्होंने आपको देने के लिए कहा। देवराज। हाँ, बोलिए मैडम। थैंक्स। हाँ, इस टेंडर को मैंने एक खास वजह से छोड़ा है और वो ये है कि आप हमेशा बिजनेस में नंबर वन रहे। हमेशा नंबर वन, यही मेरी इच्छा है। चलता हूँ। देवराज। जी मैडम। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कराना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अपने बेटे की शादी तुम्हारी ही बेटी से हर हाल में कराऊंगी। देवराज, अब हम दोनों को समधी बनने से कोई नहीं रोक सकता, देख लेना। सुन के अच्छा लगा। आपने हमें सब्र करने को कहा था इसीलिए अब तक हम दोनों शांत थे। मेरी माँ ने देवराज की बेटी से मेरी शादी तय कर दी है। अब हम दोनों और चुप नहीं बैठ सकते। हम दोनों ने फैसला कर लिया है, हम भाग के शादी कर लेंगे। रुतबे के घमंड के अलावा तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, उन्हें ठेस पहुँचा ऐसा काम कभी मत करना। तुम्हारी माँ की रजामंदी और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से ही तुम दोनों की शादी होगी। मैडम, जेपी कोई आम रईस आदमी नहीं है। दुनिया के 10 सबसे बड़े रईसों में उसकी गिनती होती है। जब मैं उसके घर में जमीन की बात करने गया तो उसने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। अरे पीछे हट, मैं बताता हूँ। जेबी साहब से मिलना आसान नहीं है मैडम। वो बहुत बड़े इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं। इंडिया तो वो साल में एक या दो बार आते हैं, वो भी पीएम या सीएम से मिलने। उनको भी वो घास नहीं डालते हैं। जय श्री कृष्ण राजेश्वरी जी। आ गया झूलर। क्या बात है, आज आप बहुत टेंशन में लग रही है। टेंशन तो है ना। ESR रोड पर जो 5 एकड़ लैंड है, आपने कहा था उस लैंड का वास्तु इतना बढ़िया है कि अगर मैंने वहाँ 7-स्टार होटल बनाया तो मेरा बिजनेस बहुत चलेगा। सत्य है? मैंने इन्हें लैंड की डील करने भेजा लेकिन उन्होंने लैंड देने से साफ मना कर दिया। चांस तो गया हाथ से। माँ जी, कई लोग चेहरा देखकर काम करते हैं। चेहरा खराब तो समझो सौदा भी खराब। ये दोनों पनौती हैं, इनका चेहरा देखकर तो बनता काम भी बिगड़ जाए लेकिन अगर आप जाएं तो आपको देखकर बिगड़ता काम भी संवर जाए क्योंकि आपके चेहरे पर लक्ष्मी तांडव कर रही है। आज अमावस है, जमीन खरीदने का अच्छा दिन है। आप जाके सीधे जमीन के ओनर से बात कीजिए, सौदा पक्का करके एडवांस रकम दे दीजिए। ब्लैक कैट कमांडोज क्यों? आतंकियों की हिट लिस्ट में है मैडम। ओ हेलो हेलो, कहाँ चले आ रहे हो? कौन हो आप लोग? चलिए चलिए बाहर चलिए। कौन है? महाशय, मैडम भी आपके सर की तरह ही बड़ा बिजनेस करती हैं। इनका नाम राजेश्वरी जी है और यहाँ कुछ जरूरी बात करने आई हैं। सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते हैं। अरे ये क्या कह रहे हो, बहुत जरूरी काम है, जाकर उनको बताओ तो सही। ठीक है मैं बात करके आता हूँ, आप लोग उधर खड़े हो जाइए। ये नया VIP कौन आ गया है? कौन ये JP? सर, ये लोग अनाथ आश्रम से आए हैं। इन्हें 1 लाख दे दो। सर, सबको 1-1 लाख। नमस्ते सर। इनकी तारीफ
सर ये चंदा मांगने आए हैं चामुंडी हाँ। देवी के मंदिर के लिए। गलत बात, इंसान भगवान को नहीं भगवान इंसान को देता है। इनसे कहो जाकर मंजीरा बजाए। सुना मंजीरा बजाओ जाके। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन है? लगता है वृद्धाश्रम से आए हैं। मैनेजर। ए, सर बोल रहे हैं कि एक एक करके लाइन में आओ। ये कबड्डी प्लेयर कौन है? शक्ल से लुच्चा लग रहा है। सर ये राजेश्वरी मैडम है, राजेश्वरी कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स की MD। इनको मुझसे क्या काम है? सर यस, मैं एक 7-स्टार होटल बनाना चाहती हूँ। मुझसे कर्जा लेने आई हो? नहीं सर, मैं होटल तो सब ESR लैंड पर बनाऊंगी जो आपकी है, मैं वो खरीदने आई हूँ। What? तुम्हें मेरा लैंड चाहिए? Where is my gun? मेरा भेजा घूम रहा है। सर कूल फूल, मैं 50% इंडिया 100% महाराष्ट्र खरीदेगा, जापान के सारे पान के बाकड़े खरीदेगा, कश्मीर के एप्पल खरीद के नेपाल में जूस की फैक्ट्री लगाएगा, और ये लेडी मुझसे लैंड मांग रही है। कहाँ है गन? सर कूल। इनको अंदर क्यों आने दिया? सर ये बोले कि आपकी तरह इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर कोई सड़क छाप चवन्नी छाप खुद को बिजनेसमैन बोलेगा तो उसको अंदर आने दोगे? किसी पर भी डाउट हो तो उसे आउट कर देना। हाय डैड। गुड मॉर्निंग हनी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही हो? हाँ। क्या लेके, विमान या हेलीकॉप्टर? नहीं डैड, कार में जा रही हूँ। कार में? हाँ। नॉनसेंस, हम ऊँचे हैं इसलिए हेलीकॉप्टर में जाते हैं, और तुम जानती हो हमारे पास 4-4 हेलीकॉप्टर हैं, लाल हरा नीला पीला कोई भी एक लेके जाओ। लेकिन डैड कॉलेज में हेलीपैड नहीं है। व्हाट? हेलीपैड नहीं है? मैनेजर कॉलेज में एक प्लास्टिक का हेलीपैड बनवाओ। ओके सर, लेकिन कॉलेज में हेलीपैड कैसे बनाएंगे सर? उन्हें बोल दो कॉलेज में पढ़ाई होना हो हेलीपैड होना चाहिए, मैं बनवाऊंगा। ओके सर। डैड प्लीज। ये लो धुआं निकालो। कश नहीं कार डैड। ओके आज कार में जाओ, कल से हेलीकॉप्टर में जाना। ओके डैड बाय 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 बाय। ये भिखारी अब भी खड़े हैं। अगर वो जमीन आप व्हाट टॉर्चर यू आर गिविंग। एक चेक साइन करूंगा, तुम सबको घर का नौकर बनाऊंगा। गो 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 गो, शांति वरना हो जाएगी क्रांति। सर सर क्या हुआ? अरे सर की जेब से 1000 रुपए का नोट गिर गया और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये तो सर का स्टाइल है, रोज 5-10 लाख तो गिरा ही देते हैं। सर की जेब से गिरे हुए पैसे उठा उठा कर लोग करोड़पति बन गए और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां डाल ली। मैडम ये तो कुछ भी नहीं, आईफल टावर की रिपेयर के लिए भी सर ने कर्जा दिया है। मैडम हम तो दिखते ही हैं, लेकिन जेबी ने आपको भी नौकरानी समझा। लेट्स गो। चल हम भी चलते हैं। खटारा ST बस से फटा 5 का नोट भी गिर जाए तो चिन्ना उसे छोड़ता नहीं है, तो 1000 का नोट कैसे छोड़ेगा? आज से तुम मेरा, मैं तेरा, और हम दो। शर्मना रो क्यों रहा है? वो क्या है ना, पिछली बार जब तूने मुझे अमीर बनाने का वादा किया था तब से देवदास मुंह में बास, जिंदगी में कोई आस नहीं है, लेकिन इस बार तूने जैसा कहा था मुझे चूना नहीं लगाया, मुझे अमीर बनाया है। थैंक यू। नहीं बॉस, इस बार भी मैंने तुम्हें चूना लगाया। क्या मतलब है? तुम्हारा गेटअप एक्चुअली पूरा सेटअप है। सेटअप था? जिस पटाके को मैंने पटाना चाहा उस पटाके को तूने पटाके फोड़ दिया। मैंने सोचा फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, लेकिन एयरपोर्ट जाकर यूटर्न लेना पड़ा और मेरे सारे सपने चूर चूर होके दूर हो गए, वो भी तेरी वजह से। अब मैं तुझसे कट्टी, मैं जा रहा हूँ, फॉरेन ही जाऊंगा। बॉस फॉरेन छोड़ो, तुम मेरी इजाजत के बिना बाथरूम भी नहीं जा सकते। What do you mean? तेरा ये पासपोर्ट मेरे पास है। देखो भैंस उड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं यार, तूने जिस औरत को हड़काया ना, जानता है वो औरत कौन है? कौन है? इस इलाके की सबसे अमीर औरत है वो। सोने की खान है, सोने की खान। सोने की खान है? अगर उसे पता चल गया कि तू उसके साथ ड्रामा कर रहा था तो चिना तेरी आलू टिक्की बन जाएगी। DIG और IG से उसके घरेलू ताल्लुक है। I'll keep in touch. Hi sir, congrats. Nice to see you. Thank you. Welcome Swami ji. आइए ना। नमस्ते। हेलो मैडम। हाँ ये मेरे फॉरेन क्लाइंट हैं, ये मुझे बहुत मानते हैं। व्हाट? ये हैं राजेश्वरी मैडम। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। मैडम जी का नाम भी महाराष्ट्र के सबसे अमीर लोगों में शामिल है, ये भी आप ही की तरह फॉरेन में बिजनेस करना चाहती हैं, इसीलिए NRI बिजनेस पार्टी में मिलाने ले आया। मैडम देखिए वहाँ JP है।
जेपी उस दिन घर में थोड़ा टेंशन में लग रहा था, लेकिन ऐसी पार्टियों में उसका मूड थोड़ा अच्छा होगा। आप जाके उससे बात कीजिए और वो 5 एकड़ वाली जमीन का सौदा पक्का करके आइए। बिना अपॉइंटमेंट के वो किसी से नहीं मिलते, अगर मिलते भी तो सिर्फ 5 मिनट। ब्रिटिश एयरवेज खरीदा $15 बिलियन में। कहते हैं जेपी किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये तो यहाँ कब से बैठा बातें कर रहे हैं। हो सकता है उनके सामने बैठा इंसान कोई VVIP हो। आइए देखते हैं वो किससे बात कर रहे हैं। शर्वना, बिल गेट्स मुझसे कर्जा मांग रहा था, मैंने उसे दे दिया, और वो अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाना चाहता है। मैंने कहा मैं टॉस करके बताऊंगा। फॉरेन में उसकी शादी कराने की कोई जरूरत नहीं लगती है, इंडिया में भी तो अच्छा घर मिल सकता है। इंडिया इंडिया में एक ही बंदा मेरे टक्कर का था, वो सिंह नाम का आदमी। कौन? हरभजन सिंह? मैकमोहन सिंह। अच्छा, वो सिंह हो या किंग, मैंने सबको बोल दिया कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जिसके लिए शर्वना हाँ कहेगा। मेरी बेटी तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन मेरी बेटी, कोई अगर मेरी औकात का है तो बताओ, कम ऑन, नाम बोलो। अरे सर, अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्यों ना दूं शर्वना, मैं हेलीकॉप्टर से होनालुलू जा रहा था, टायर पंचर हो गया, फिर हम जमीन पे टपके, तभी मेरी और मेरी बेटी की जान तुमने बचाई, क्योंकि तुम मेरे गांव मेरे देश के हो। मैं उसी दिन अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे रहा था, लेकिन तुमने कह दिया मुझे दोस्ती चाहिए प्रॉपर्टी नहीं, और तुमने प्रॉपर्टी को लात मार दी। जियो कूल, यू फूल। शर्वना, यहाँ जो भी बैठे हैं उन पर मैंने एहसान किया है, लेकिन मुझ पर सिर्फ तुमने एहसान किया है। तुम जिस पर भी उंगली रखोगे मैं अपनी बेटी की उंगली थमा दूंगा। भाई जिसे कहेंगे मैं उसे शादी कर लूंगी। ऐसा क्यों? भाई गॉड है। ओ माय गॉड, हम तो इसे थोड़ी सी जमीन चाहते थे, लेकिन लगता है कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? होगा होगा, अवश्य होगा। जेपी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है, और आपका जमाई जो भी लड़का चुनेगा उसी से जेपी आंखें बंद करके अपनी बेटी की शादी करा देगा। इसलिए जेपी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं, मनाना है तो अपने जमाई को मनाइए। आप जेपी की समधन बन सकती है। एक बार ऐसा हो गया तो जेपी की सारी प्रॉपर्टी आपके बेटे की हो सकती है। कल्पना अच्छी है ना? चलो चलो। ए शर्वना, तू अपनी सास की गाड़ी पटरी पर कैसे लाया? अबे लल्लू, मेरी सासू माँ ज्योतिष को बहुत मानती है, लेकिन उनका ज्योतिष क्या तुम यहाँ मेरा आशीर्वाद लेने आए हो? आपको आशीर्वाद देने आया हूँ। ये लेटेस्ट फिल्म की ओरिजिनल DVD है, आप देखना चाहेंगे? टीवी फिल्में इन सबसे मुझे परहेज है भक्त। ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि सीन है, आपको देखना ही पड़ेगा। इतना पीछे पड़े हो तो दिखा दो। इसमें गलत क्या है? इसमें भक्ति रस है बेटा। वो तो है, देखिए आगे रस टपकेगा। दुनिया भर की मदद करते फिरते हो, मेरी मदद कब करोगे स्वामी जी? शांति, तू नहीं जानती राजेश्वरी एक नंबर की बेवकूफ है, मैं उसे चूना लगा लगा के पैसे ऐंठता हूँ। राजेश्वरी तुम्हें पैसे देगी ना? राजेश्वरी से अब तक 4 करोड़ बना चुका हूँ, आगे भी उल्लू बना बना के मोटा माल अंदर करूंगा। ऐसा तुम देखती जाओ कैसे मैं उसी के पैसों से अपने लिए बंगला गाड़ी खरीद के अपनी लाइफ सेट करता हूँ। पहले अपनी लाइफ सेट, फिर तुम्हारी। अभी मैं नौपति, बाद में अरबपति, और राजेश्वरी रोडपति। कब कैसे मेरे काले कर्म कैमरा में कैद किए भगवान, अब उसे नेट पर अपलोड करोगे? शेर के हाथ हिरन का बच्चा लगता है तो वो जलसा करने लगता है, यहाँ तो भैंसा मिल गया है, सीधा टीवी पर टेलीकास्ट कर देगा। ये बताओ मुझसे क्या चाहते हो भगवान? आई लाइक यू। शाबाश पंडित जी। भगवान, इनको तुमने सब बता दिया क्या? मुझे जल्दी से वो DVD दे दो ना। जब तक ये शादी पूरी नहीं हो जाती DVD मेरे पास ही रहेगी। हमें पैसा दे दीजिए वरना आखिरी बार छूट जाएगा। जब तुमसे पैसा मांगता है तुम ऐसा टाटा क्यों करता है? टाटा नहीं कर रहा, पैसा उससे। पंडित जी, ये लोग भाड़ा मांग रहे हैं,
इन्हें अपने साथ ले जाओ और सबको उनके पैसे दे दो। जाओ। आओ सब लोग मेरे साथ। कन्या तुम्हारा नाम क्या है? नताशा। शास्त्री नगर में रहती हो? नहीं, सेक्टर 2 में। शर्वना, मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। क्या करेगा उसका? पाइप के अंदर बीड़ी डाल के फूंक रहा हूँ, हालत पतली हो गई है। बोलो सासुमा। जमाई जी, मैंने कल आपको और जेपी को पार्टी में देखा था। जेपी? ओ जग्गू पीड़े। अरे आपके लिए वो जेपी होंगे, आप उनके लिए तो जग्गू भाई है, वो आप उनका लंगूटी है। क्या ओवर एक्टिंग थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? बहुत ज्यादा बोल रहा है। नहीं, मैं न्यूज़ वाले को फोन करके फिल्म दिखाऊं क्या? कौन सी फिल्म शास्त्री जी? फ्लॉप फिल्म है, जाना। जमाई जी, आप इतने बड़े आदमी को जानते हैं फिर भी इतने सिंपल हो। अरे सासुमा, ये मस्का लगाना बंद करो, जल्दी बोलो, अपने पास टाइम नहीं है। मैडम अपने बेटे की शादी जेपी की बेटी के साथ कराना चाहती है। अरे अचानक आप खड़े क्यों हो गए? बैठ जाइए ना। नहीं नहीं, मामला थोड़ा सीरियस लगता है, आप उन खड़ा होकर सुनेगा, आप बोलो ना। जमाई बाबू, अगर हम राज की शादी जेपी की बेटी से करा दे तो हम दोनों एक जैसे स्टेटस वाले एक दूसरे के समधी बन जाएंगे। अरे जेपी कहाँ और आप कहाँ सासुमा, जानती हैं आप क्या कह रही हैं? अरे आपका स्टेटस देखो, उनका स्टेटस देखो। आपको कहीं जाना होता है तो आप फ्लाइट का टिकट बुक कराती है ना, लेकिन वो तो अपना प्लेन लेके जाता है। आपकी कार का टायर पंक्चर होता है तो आप दूसरा टायर लगवाती है ना, वो तो कार ही बदल डालता है। किसी भले आदमी को धोखा देना ठीक बात नहीं है सासुमा। सासुमा, अगर अपुन आपको लो क्लास लगता है ना, तो जेपी के लिए आप लो क्लास हो। जमाई राजा, ये आपकी सास यानी माँ है, तुम्हारे अलावा इनका और है ही कौन? सॉरी सासुमा। कोई बात नहीं, उसको आपकी माफी अमीर होने पे ज्यादा घमंड नहीं है, वो तो अपुन जैसे आम आदमी की भी दिल से इज्जत करता है। उसकी नजरों में गिर जाऊं क्या? नहीं जमेगा रे बाबा। आप कहेंगे तो जेपी जरूर मान जाएंगे, एक बार मेरे लिए कम से कम बात करके देखिए। ठीक है, एक मिनट रुको, आप उनको फोन करके देखता है। मेरा फोन ले लो, कैमरा फोन। नया नंबर वो उठाता नहीं है। हेलो शर्वना। हेलो जग्गू पीड़ा साहब, अभी किधर है आप? मैं चाय के ठेले पर बैठा हूँ, पिछवाड़े मच्छर मार रहा हूँ। आप उनको आपसे मिलना था? नहीं, आज मैं किसी से भी नहीं मिल सकता, एक ही कोट है वो भी धोके सूखने को टंगा है। ये धोबी बोल रहा है जब तक पैसे नहीं दोगे कोट नहीं दूंगा, और ये चाय वाला भी उधार नहीं दे रहा। मैं सुबह से भूखा हूँ, आई एम हंग्री। अच्छा, हंग्री में लंच करने गए हो क्या? हंग्री में लंच? 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट को देखे 2 दिन हो गए, मुझे 5 रुपए दो ना। एक्चुअली हाँ, ओके साहब, आप आएंगे ना पक्का? ओके साहब, ओके, थैंक यू। सासुमा, वो हंगरी में हंगर मिटा रहे हैं, तो कल वो आप उनके घर पे आ जाएंगे, मिल लेना उनसे। थैंक्स मैडम, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं इंस्पेक्टर था मैडम, लेकिन अब ACP बन गया हूँ। इनको हमारे फ्रॉड का पता चल गया क्या? पुलिस आके बैठी है, वापस चलें क्या? जेपी सर आइए ना। आइए जेपी साहब, नमस्ते। ऐसे मैंने कहीं देखा है? मैडम, आपको जिसने धोखा दिया है उसको 24 घंटे के अंदर मैं जेल में डाल दूंगा। जरूरत पड़े तो एनकाउंटर कर देना। पुलिस को देख के डर गाय को रह रहा है। पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर से मरी। चलो कैरेक्टर में आ जाओ। डम डम राजेश्वरी मैडम, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आप जैसे छोटे घर में नहीं करवा सकता, लेकिन शर्वना ने बोला तो मैंने अपना दिल खोला और मैं मान गया, तो 100 बात की एक बात मैं आपका समधी बनूंगा। ये खबर सुन के मेरा दिल तो खुशी से झूम उठा। कंट्रोल योर दिल, मेरी 3 शर्तें भी हैं, मंजूर हो तो हाँ कहो, वरना टाटा बाय बाय खाली वाली। अरे ये क्या कंडीशन ऊपर लेट के बताएगा? कंडीशन नंबर 1, हम ना दहेज देते हैं और ना ही लेते हैं, आई हेट दैट। कंडीशन नंबर 2, आप हमारी बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहती है ना, हम आपके बेटे को हमारा जमाई बनाएंगे। कंडीशन नंबर 3,
याग? हमारी हैसियत के हिसाब से हम हमारी बेटी की शादी प्लेन में करा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम हैं सेंटिमेंटल फूल, इसलिए हम हमारे खानदान का एक उसूल निभाते हुए हमारी बेटी की शादी गांव में कराएंगे। अगर आपको ये तीनों एयर कंडीशन मंजूर है तो बताइए, वरना हम रिवर्स गियर में यहाँ से चलते हैं। दहेज, घर जमाई, ये सब तो ठीक है, चल जाएगा शास्त्री जी, लेकिन ये शादी अपने गाँव में करना चाहते हैं, वहाँ कोई ऐशो आराम नहीं होगा। मेरी बेटी की शादी तो जैसे तैसे करके हो गई, कम से कम अपने बेटे की शादी में मैं सारे वीआईपीस को बुलाकर धूम मचाना चाहती हूँ। अगर मैंने ये शादी चुपचाप कर दी तो लोग राजेश्वरी मैडम की शानो शौकत कैसे देखेंगे। अरे पंडित, तू क्या बकने का मुहूर्त ढूंढ रहा है? अरे मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो ना। मैडम, धूमधाम से शादी करना जरूरी नहीं है, लेकिन शादी के बाद धूम मचाना जरूरी है। जेपी के साथ आपका रिश्ता जुड़ गया, ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो इंडिया में क्या फॉरेन में भी आपके नाम के चर्चे हो जाएंगे मैडम। इसीलिए जेपी की तीनों शर्तें मान लीजिए और शादी हो जाने दीजिए बस। दिमाग की दही मत करो सासू माँ, अगर मंजूर नहीं है तो बोल दो, जेपी यहाँ से वोट लेगा। जेपी सर, मुझे आपकी सारी कंडीशंस मंजूर हैं। जल्दबाजी में फैसला ना करो, सोचो। सोचने की बात ही नहीं है जमाई जी। हाँ, हाँ। इनसे कहो कि मुझे इनकी हर बात मंजूर है। ठीक है सासुमा। गुलाब से हो गया जुलाब, जुलाब। जेबी साहब, आप उनकी सासुमा तो राजी हो गई है, अभी आप तैयार हो जाओ। तुमने बोल दिया है तो हमें क्या बोलना, मैंने जो की। एनीवे, हमने सोचा है कि हम बच्चों की शादी जल्दी करवाएंगे। अगले हफ्ते गांव में एक फंक्शन है, वहीं शादी हो जाएगी, लेकिन तब हम यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, तभी हमें विदेश जाना है बिजनेस के लिए। ओके, पकड़ो, तुम लड़के वालों की तरफ से नहीं लड़की वालों की तरफ से हो। सब लोग कान का मैल निकाल के सुन ले, आज से जेबी यानी शर्वना, शर्वना यानी जेबी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे प्राइवेट जेट से शादी में आने की। अगर कोई इमरजेंसी हो या फिर अर्जेंसी हो तो फिर हमें तार भेजना। शर्वना, हम अपने दूल्हे को नया प्लेन गिफ्ट करना चाहते हैं, सीएनजी वाला करेंगे। कम लपेट वरना जूते पड़ेंगे। ओके, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ, शादी एंजॉय करना। प्लेन का पंखा जाम नहीं हुआ तो शादी में आऊंगा। शर्वना, तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे भूल मत जाना, मैं चाय के ठेले पर जा रहा हूँ, 20-30 छुट्टाए तो देना। जेब में हाथ दिखा के छोड़ेगा अपनी, मत जरा दिखता हूँ, देना। ये ले। इतना बड़ा 10 का नोट, इसमें तो चाय खारी भी नहीं आएंगी। अभी मेरे पास इतना ही चाय, चल निकल, ले जा इस भिखारी को। थर्रा कैसे पियेंगे? कोट बेच के पियेंगे। चलो। ये रास्ता इतना खराब क्यों है? शॉर्टकट है क्या? अरे मेन रोड है। ऐसे ही चलता रहा तो पूरी बॉडी के स्क्रू ढीले पड़ जाएंगे। इसमें तो बहुत झटके लग रहे हैं। जमाई, प्लीज ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पंडित सुनना, तेरी डीवीडी सबको दिखाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, कौन सी सीडी, हम भी देखेंगे। चुप करो। कुछ नहीं मैडम, फिल्म वाली सीडी, ताकि इनका और आपका मन लगा रहे। कॉमेडी फिल्म की सीडी है ना मैडम। राजेश्वरी जी, आपका राजयोग बस शुरू हो गया है, इस उबड़ खुबड़ रास्ते पर जाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब देखना लाइफ का पहिया कैसे घूमने लगेगा। अरे लाइट छोड़ो, कार का पहिया निकल गया है और हम लोग नीचे गिरने वाले हैं। ये क्या हुआ, इतनी शानदार कार थी, एकदम खटारा बन गई है। ये क्या हो गया मैडम, कहाँ राजयोग शुरू होने वाला था, भिखारी योग शुरू हो गया, कैसा पंडित है ये। जमाई, मैकेनिक को फोन करके बुलाओ और हमारी गाड़ी ठीक करवाओ। फोन करने से कुछ नहीं होगा, उसको जाके बुलाना पड़ेगा। तो जाओ जाके बुलाओ। अरे उसके लिए 40 किलोमीटर चल के जाऊँ क्या? तो ओला या उबर को बुला लो ना। यहाँ पे कोई ओला या उबर नहीं मिलती। यहाँ जो कार आती है वो खराब हो जाती है, टैक्सी यहाँ मिलती नहीं, ऐसे गाँव में आखिर जेपी कैसे आता होगा? अरे जेपी अपने हेलीकॉप्टर में आता है। छोड़ो ये सब, अब बताओ कि हम गांव कैसे जाएं? और नहीं चल सकते, और चली तो बेहोश हो जाऊंगे। सासुमा, अभी चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेपी का पैलेस आ गया है, सब लोग अपने राइड में घूमो। ये
जेपी का पैलेस है? पैलेस क्या, ये तो मुझे तबेला दिखाई दे रहा है। मारुति राव, मारुति राव। नमस्कार बाबू। ये अपना मारुति राव है। बस जी, नाम ही मारुति है, मेरे पास तो बैलगाड़ी भी ना है। सासू मदर, पूरे शाही पैलेस का ख्याल ही अकेला ही रखता है। जगह का ख्याल रखने के लिए भी कोई चाहिए क्या? ले जी। ले। हाँ, सासू मदर दो ना। रुको, मैं इस तबेले में कैसे रह सकती हूँ? मैं यहाँ नहीं रहने वाली। जेपी भी इसी शाही पैलेस में रहता है। आपको रहना है कि नहीं रहना है बता दो, उसको बताना पड़ेगा ना। आईफोन लगाता हूँ। जमाई, किसको फोन कर रहे हो? जेपी को। पर क्यों? सासू माँ यहाँ पे रहना नहीं चाहती तो ये बात उनको बतानी पड़ेगी। अरे फोन काटो और गुस्सा थूक दो। मैडम ये सोचिए, अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है जो जल्दी बीत जाएगा। सिर्फ 3 दिन तक कष्ट झेलना है, उसके बाद बस ऐश ही ऐश है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं नहीं, मैडम के ग्रह कह रहे हैं, उसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। शास्त्री जी, सिर्फ इसी वजह से तो मैं ये सब कुछ झेल रही। इसी बात पे अंदर चलते हैं। कमिंग। क्या वो चूहे का बिल है? ये चूहे का बिल नहीं है। थैंक गॉड, मेरी तो जान निकल गई थी। सांप का बिल है। सांप का बिल? अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बेचारा रात को आता है, सुबह किसी को डस के चला जाता है। इस घर में तो पंखा भी नहीं है, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? अपन को भी यही बात खटक रही है। सासू माँ तो एसी के बिना एक पल नहीं रह सकती। सासू माँ को छोड़ो, इनका कुत्ता तक एसी के बिना नहीं रह सकता। सला यहाँ फैन भी नहीं है। एक मिनट, जेपी को फोन करके बोलता हूँ। ये सब क्या नाटक लगा रखा है? अपनी सासू पैसे के बिना रह लेगी लेकिन एसी के बिना नहीं रह सकती। शादी कैंसिल कर दे। जमाई जमाई, उन्हें कॉल मत करो, एसी के बिना मैं काम चला लूंगी। 3 दिनों की तो बात है, जैसे तैसे एडजस्ट कर लूंगी। आर यू श्योर? हाँ श्योर। भगवान, एक लघु शंका है, क्या ये सच में जेपी का घर है? पंडित, इसको जेपी का घर समझ रहा है, उसका नहीं है। ये तो अपुन का पुश्तैनी वाड़ा है। जब अपुन के मदर फादर ने सासू को गांव में मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया था तो उसने उनको घर से कचरा करके बाहर निकाल दिया था। आज अपुन ने उसका घर डाला। थैंक्स पंडित। अरे रे, पहली बार राजेश्वरी को कोई भारी पड़ा है, वो भी ऐसे कि शह और मात दोनों दे दी। धोखा देके उन्हें अपने गांव तक ले आया, पता नहीं आगे क्या होगा। बाबा, राजेश्वरी ने हमें चूना लगा दिया। ये क्या बोल रहे हैं? उसने आपसे वादा किया था कि वो आपको समधी बनाएगी, लेकिन वो हमें छोड़कर उस जेपी को अपना समधी बना रही है। उसने खुद आकर कहा था कि मेरी समधन बनेगी, ये अचानक उसने प्लान बदल क्यों दिया? सारी मुसीबत की जड़ उसका जमाई सर बना है। कल ही उसकी शादी एक छोटे से गाँव में होने जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता। वो चाहे किसी भी कोने में अपने बेटे की शादी करे, मैं ये नहीं होने दूंगा। ए, चलो सब। खाना लग गया जी, खाने के लिए आ जाओ। एक बात को, घर भले ही छोटा है पर केले का पत्ता बड़ा है। वो तो रहेगा ही ना। पता है, जब जेपी के घर पे एक कौवा भी आता है ना तो कम से कम 14 प्रकार के पकवान खा के उठता है। क्या बात है जमाई, जेपी सर की सिर्फ जेब ही नहीं, किचन भी पूरी तरह से भरा हुआ है। खोलो खोलो। ये क्या मग्गू, पत्ते के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख दिया। पत्थर इसलिए रखा है कि कहीं पत्ता ओढ़ ना जाए। खाना आने तक चाहो तो इससे खेल भी सकते हो। समझ गए? अरे ओ अकल के अंधे, ये पत्थर नहीं है, खाना है। इसी को कांदा मिर्ची लगा के खाना पड़ेगा। क्या कहा, हमें ये पत्थर खाना पड़ेगा? यानी आज भूखा ही सोना पड़ेगा। मुझे तो लगा था कि यहाँ बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, लेकिन पता नहीं इसे देखकर मैडम का क्या हाल होगा। खाना अच्छा है ना? अरे सासू मदर, आओ आओ बैठो बैठो। क्या ये गांव की कोई स्पेशल साइड डिश है? साइड डिश? अरे ये मेन डिश है, बाजरे का गोला है। बाजरा? या। मैं तो क्या, ये मेरा कुत्ता भी नहीं खाएगा। देखो मेरे लिए फ्राइड राइस और नूडल्स मंगाओ। मैडम जी, यहाँ बाजरे के अलावा कुछ भी खाने को नहीं मिलता। मारुति राव, ये खाना सिर्फ अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाती है, तो तू ही बता ये नीचे बैठ के बाजरे का गोला कैसे खाएंगी? बराबर ना? उस दिन मैडम ने ये डायलॉग मारा था, आज जमाई राजा मार रहे हैं। सासू मदर, सिर्फ आज की रात एडजस्ट कर लो। वो क्या है ना, कल गांव में महाराज आ रहे हैं, तो आप जो भी कहेंगे ना वो आपको वहीं पर बना के दे देंगे। ये खाना खाने से अच्छा मैं रात को भूखी सो जाऊं। नॉनसेंस, जो खाना कुत्ता नहीं खा रहा वो तुम बैठ के खा रहे हो। गेट अप, चलो जल्दी उठो। यस मैडम।
हाथ में तो आया लेकिन मुंह में नहीं गया। मम्मी बिना खाए गुस्से में चली गई। तुम्हारी मदर का टेस्ट एकदम अलग है ना, भूख लगेगी तो अपने आप आ जाएगी, तू खा ले चल। फिलहाल तो मैडम की कुंडली के सारे ग्रह उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, पर बस कुछ ही दिनों की बात है उसके। सुनो मुझे ब्रश करना है, मेरा ब्रश और पेस्ट लेकर आओ। मैडम पेस्ट और ब्रश तो मैं कार में ही भूल गया, मैंने सोचा था कि यहाँ पर आकर गांव में खरीद लेंगे, छोटी सी तो चीज है। तो ये गांव वाले कैसे ब्रश करते हैं? आधे से ज्यादा लोग तो ब्रश ही नहीं करते मैडम, और बाकी उंगली से काम चलाते हैं। सही कहा। ये बताओ मैं कैसे ब्रश करूं? सासु आपको ब्रश चाहिए ना, मैं देता हूँ ये लो। हा? इसको बोलते हैं दातून, इससे दांत घसोगी ना तो रात के अंधेरे में भी आपके दांत चमकेंगे। आज की फल राशि में लिखा है कि मैडम दातून से अपने दांत घिसेंगी। राशि फल में ब्रश के बारे में भी बताते हैं क्या? ब्रश क्या, कुछ तो ये भी बताते हैं कि टॉयलेट जाकर फ्लश कब करना है। जरूर तुम्हारी बेटी का नाम राशि ही होगा। लायक मैडम अच्छे से ब्रश कीजिए, पानी दो इन्हें। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। शुभ मुहूर्त निकल रहा है, दूल्हे को बुलाइए। दुल्हन कहाँ है तैयार? मुहूर्त निकला जा रहा है बेटा, दूल्हा कहाँ है? एक मिनट रुको, अपन को टेंशन मत दो। पंडित जी पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। क्या हुआ जमाई, इतने टेंशन में किसी को ढूंढ रहे हो? मुहूर्त बीता जा रहा है ना तो दूल्हे को ढूंढने जा रहा है। अरे दूल्हे की बात छोड़ो जमाई, ये शादी तब होगी जब जेपी यहाँ आएंगे। जेपी आ रहे हैं। आ चुके हैं। हमें इतना फूल करने की कोशिश की, उतरो नीचे, ये लो अपनी झूठ की पोटली। ए शर्वना मुझे माफ कर दे, मुझे कुत्ते की तरह धो डाला इसलिए मैंने सब कुछ पक दिया और भांडा फोड़ डाला। क्या हुआ जमाई, झटका लगा? इंटरनेशनल बिजनेसमैन जेपी की असली औकात और कैरेक्टर सामने आ गया। जमाई खुद को स्मार्ट साबित करने के लिए तुमने मुझे उल्लू बनाया, लेकिन तुम्हारा लो क्लास दिमाग मेरी हाई क्लास अकल के आगे बुरी तरह से हार गया। ससु दूल्हे को बोलो यहाँ आने को, ये बात बाद में करेंगे। ये बात तो अभी ही होगी। सुनिए मेरा बेटा भाग गया क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहता था। मैडम शादी ब्याह में ऐसा होता है, हो सकता है आपने दूल्हे को कहीं छिपाया हो और आप सबसे झूठ बोल रही हो कि आपका बेटा शादी छोड़ के कहीं भाग गया है। मुझे अपने बेटे को छिपाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, ये शादी मैं नहीं रोक रही हूँ, मेरा जमाई रोक रहा है। इसने मेरी बेटी से प्यार करने का नाटक किया क्योंकि इसे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसने समाज के सामने मुझे नीचा दिखा के मेरी बेटी की शादी में दूल्हे को किडनैप करके खुद शादी की, लेकिन मेरी बेटी से शादी करके आधी प्रॉपर्टी का ही मालिक बनेगा। इस लालची को तो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए अपनी बहन को अरबपति जेपी की बेटी बताया और मेरी बहू बनाना चाहा। जब मेरे बेटे को यह पता चला तो वो यहाँ से भाग के चला गया। शुक्र है मुझे इस घटिया परिवार के बारे में इस शादी के पहले ही पता चल गया, वरना ये लोग तो दौलत की लालच में मुझे और मेरे बच्चों को मौत के घाट उतार कर हमारी सारी प्रॉपर्टी छीन लेते। कल रात सच जाने के बाद मैं और मेरी बेटी यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन हम लोग इसीलिए रुक गए ताकि आप सब गांव वालों को इनके परिवार के बारे में सच बता के इनका पर्दाफाश करें। अब हम चलते हैं, जो हुआ बहुत हुआ, कार मंगाओ। पहले तो ये मवाली था, इसके बाप को लगा कि ये मुंबई जाकर सुधर जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी यही हाल रहा। अब देखो इसने तो अपनी सास और अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा। सासुमा आप उनको आपसे कुछ कहना है, आप उन्हें धोखा देके शादी का प्लानिंग नहीं किया, आप उनके शादी से पहले ही आपका बेटा और आप उनकी बहन प्यार करते थे, आप उनकी बहन प्रेग्नेंट है तो अपन डर गया था कि आप उनसे बदला लेने के लिए आप ये शादी के लिए मना कर देंगे, अपन को आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन आज बहना की शादी नहीं हुई तो परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ये तब क्यों नहीं सोचा जब मेरी बेटी की शादी में मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई? अब तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ?
तुम्हारे माँ बाप ने मुझे पूजा के लिए बुलाया था और तब मैंने उन्हें मुंह पर मना कर दिया था, इसलिए तुमने शादी का नाटक रचा और 3 conditions लगा दी। पल पल करके तुमने मेरी बेइज्जती की, लेकिन देख लिया ना कैसे मैंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पूरे गांव के सामने अपमान करके मुंह काला कर दिया। ये खेल तो अभी शुरू हुआ है। उथल-पुथल हो गई है ना? अरे अभी तो शुरुआत है। कौन बोल रहा है? इतनी जल्दी मुझे भूल गया? मेरे बेटे की शादी में मेरे बेटे को अगवा किया और राजेश्वरी की बेटी से खुद शादी कर ली। अब तेरी बहन की दूल्हे को मैंने अगवा किया है और अपनी बेटी से उसकी शादी करा रहा हूँ। अब तक सिर्फ तू सबको कहानियां सुनाते आया है, अब मैं तुझे फ्लैशबैक दिखाता हूँ। मुझे दो। सुनो गरीब लोग, हमें ढोला गांव जाना है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे वहाँ ले चलो। ए, तूने क्या हमें अपना नौकर समझ के रखा है? तू क्या? ए, जानते हो मैं कौन हूँ? जेपी हूँ। तुम्हें पता है राजेश्वरी के बेटे का हमारी बेटी के साथ ढोला गांव में ढमढम शादी का ढोल बजने वाला है। पापा, ये जेपी नहीं है, मुझे उसका कोई डुप्लीकेट लगता है। हम इसे लिफ्ट दे देते और फिर रास्ते में पता चल जाएगा कि हमसे सच बोल रहा है या झूठ। एसी ऑन कीजिए। ये 3-3 बज गई बीन। ए नहीं, मम्मी मरी क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, ये प्लान का एक हिस्सा था। देखो नारंगी लिफ्ट मांग रहा है। मैंने जो भी किया इसके कहने पर किया। ये बॉडी बिल्डर हमारी पिक्चर का हीरो है, इसको पूछिए सब बताएगा। भगवान भला करे हैं। सर, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं पंडित जी, आ जा, तुझे भी अच्छे से लिफ्ट देते हैं। पर ये, अरे गई भैंस पानी में। अरे पेट पर मत मारो। मैडम, अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। सैंडल निकाल के कैटवॉक करना चाहती है। समझ में आ गया। एक घंटे बाद मेरी बेटी और राजेश्वरी के बेटे की शादी होने वाली है। राजेश्वरी तो खुशी से पागल हो गई है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। मैं तेरी सास और बीवी को रास्ते में ही मरवा दूंगा और सारा इल्जाम तेरे ऊपर आएगा। बहन की शादी कैंसिल होने की वजह से तूने अपनी सासू माँ और बीवी को मार दिया, उसके बाद फिर तेरे को जेल और फिर फांसी। लेकिन मेरे लिए हैप्पी एंडिंग होगा, राजेश्वरी की सारी दौलत मेरी हो जाएगी। Yeah.
ना तेरी सांस की सांसें बंद कर दूंगा। सोचा था आज इनका पैकअप करेगा, लेकिन सासुमा की वजह से गाड़ी रिवर्स में लेना पड़ रहा है। सुनो ना, सॉरी। अरे तेल लेने गया तेरा सॉरी वॉरी, बिना सोचे समझे मम्मी के साथ भाग गई। ये ले पकड़ रामपुरी। ब्रदर तेरे को जो करने का ही कर, पर आप उनकी सासू को छोड़ दे। मेरी बेटी शर्मा रही है। हाँ बोल बेटा। पापा आपने कहा था कि राजेश्वरी को टपका देना, पर उसका जमाई भी मिल गया है। बताओ दोनों में से पहले किसको टपकाओ? उन सबको मेरे पास ला। हे सबको गाड़ी में डाल। आइए आइए राजेश्वरी मैडम। वेलकम वेलकम। अगर आप अपने बेटे की शादी में नहीं आती तो मेरा दिल बहुत दुखता। आराम से शादी देख लेना, बाद में ऊपर पहुँचा दूंगा। तुमने जो जो कहा मैंने किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने भी तो दिया, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया। सेम टू सेम हो गया। देखा बेटा तुम्हारा बाप कितना चालाक खोपड़ी है। जमाई कुछ तो करो, हमारी जान बचाओ। इधर आप उनकी लगी पड़ी है, खाक बचाऊंगा? हिला तो गर्दन कटेगी। जान जान, इन सबको मारो, निकलो। और एक बार जान बोली तो तेरी जान ले लूंगा। अरे आप उनको स्पाइडरमैन है क्या? ऑर्डिनरी मैन है। माँ बेटी पहले लोचा करती, फिर आप उनको पोछा मारना पड़ता है। अरे शेविंग कर रहे हैं क्या? चाकू दूर रखना। मुहूर्त का समय हो गया, दुल्हन को बुलाइए। हाँ पंडित जी। ए लड़की को लेके आओ। भाई इसने फिर हमें मामू बना दिया। इसके आदमी लड़की को फिर किडनैप करके ले गए। अपुन ने किसी लड़की वड़की को किडनैप नहीं किया है। हाँ आपके बेटे को अपुन ने किडनैप करने का प्लान बनाया था और कर भी लिया था, लेकिन आज तो अपुन की खुद की वाट लगी पड़ी है। चारों तरफ जब आपके आदमी खड़े हैं तो अपुन भला किडनैप कैसे करेगा? भेजे का स्क्रू थोड़ा टाइट करो, जरूर ये काम किसी अंदर वाले का है। सबसे पहले आप उसको। क्या बोला? इसने नहीं किया तो फिर किसने किया? पापा अब जाके मेरा नाइट बल्ब जला। इतने टाइम से हमारे घर में वीर जारा की लव स्टोरी चल रही थी। कल्लू जलेला मीना को रोज साइकिल पर बिठाकर घर से कॉलेज और कॉलेज से घर छोड़ा करता था। अब मेरी समझ में आया कि मीना उसी के साथ छुपकर भाग गई है। अरे अकल के दुश्मन, कल्लू जलेला को भाड़े का टट्टू बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना। मवाली को प्यार नहीं हो सकता है क्या? ए, कल्लू जलेला जिधर भी हो उसे पकड़ के यहाँ लाओ। ये क्या, तुम सबने अपना मुंडी क्यों झुका दिया? सालों से लफड़े वाला काम किया है बॉस, अब पहली बार जिंदगी में एक्शन से रोमांस में जाने का मौका मिल रहा है। ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता बॉस। ए, क्या बे? क्लाइमैक्स में हम विलन लोग सुधर जाएंगे? ये कैसी बातें कर रहा है तू? मेरी मुर्गी के अंडे खाने वालों, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करो, समझा क्या? आज के बाद आपका पैसा नहीं मांगता है। आज के बाद लव के लिए अपन कुछ भी करेगा। शर्ट पैंट और टाई डालकर ऑफिस में जाएगा, दिहाड़ी लगाएगा, लेकिन आपका ये एक्शन का पैसा अपने को नहीं मांगता है बॉस। प्यार किया तो डरना क्या, हम दिल दे चुके बॉस। ये अचानक गटर में से अमृत कैसे बहने लगा? तुम मुझे मल्टी से सिंगल बना के कल्टी मार रहे हो? पापा चल। अरे एक बार बाप बन जाओ, फिर तुम सबको पता चलेगा बाप के दिल का दर्द क्या होता है। बात करते हैं, मैं खुद जाके बेटी को लाता हूँ। कोई बात नहीं, चल आदि। मेरे ही कुत्ते मुझ पर ही गुर्रा रहे हैं, चल। इतनी देर क्यों कर दी? मुहूर्त बीतने से पहले अग्निकुंड पे बैठ जाओ, जाओ।
वाह, इसको बोलते हैं जोड़ी। आज सब लोग एक फ्रेम में फिट हो गए हैं। ये तुमने किया? ये तो किस्मत का खेल है। किस्मत का खेल नहीं, जमाई के दिमाग का खेल था। ए, चक्कू और अपुन की गर्दन दोनों तेरे हाथ में है। अपुन को रोने के बजाय तू रो रहा है। भाई, अपनी इस मोटी बॉडी के अंदर एक उछलता हुआ छोटा सा दिल भी है। उस दिल में लव भरा है। अपुन देवराज की बेटी से प्यार करता है और आज उसकी शादी है। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए खड़े खड़े आंसू बहा रहा हूँ। अरे सांड, तेरी लवर की शादी हो रही है और तू इधर खड़े खड़े आंसू बहा रहा है रास्कल। इधर से चाकू हटा और जा जाके अपनी लवर को ढूंढ के अपने साथ ले जा। देवराज तेरी शादी अपनी बेटी से होने नहीं देगा, उसको भगा के निकल ले। सुना ना तूने? ये मुझसे अकेले होगा क्या? अपुन इतना कांडी होके इतना कुछ कर सकता है और तू सांड होने के बावजूद भी इतना डर रहा है? एक बात याद रख, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। और अगर हार गया तो? वो सच्चा नहीं होता। अब गटर का शटर बंद कर और जा, हट। ओके बॉस, मुझे आशीर्वाद दो। गेट आउट। बोलो सासू मदर। तुम्हारा टाइम अच्छा था इसलिए तुम ये कर पाए। आपका जमाई टाइम पे यकीन नहीं करता है, टाइमिंग पे यकीन करता है।